द क्रैश एंड रिवीजन कोर्स बैच इज द पुरुषार्थ चैप्टर नंबर 13 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड यू नो हियर लेक्चर नंबर 1 माय नेम इज अमरेश चौधरी कॉलिंग नाम इज हर्ष टुडे आई विल डिस्कस द टॉपिक एंड सब टॉपिक्स आर शॉर्ट फॉर्मूला लिस्ट। पहले इस चैप्टर में जो जो फॉर्मूला यूज होगा वो सब सारी बातें करेंगे, फिर लर्निंग एंड रिविजन फॉर द डे, गैस लॉस क्या होते हैं, ठीक है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब सारी बातें जानेंगे, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ परफेक्ट गैस क्या होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, डिग्री ऑफ फ्रीडम विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक गैसेस क्या होता है, ये सब डिस्कस करेंगे, फिर मीन फ्री पाथ क्या है, एवोगाड्रोज नंबर क्या है, यही सब बातें इस चैप्टर में होने वाला है। तो पहले हम लोग शॉर्ट फॉर्मूला लिस्ट डिस्कस करते हैं, जो इस चैप्टर में जितने फॉर्मूला यूज होगा उसको मैंने यहाँ पे लिस्ट किया है। यू नो गैस लॉज एंड आइडियल गैस इक्वेशन, ये टॉपिक का नाम है। व्हाट इज द बॉयल्स लॉ, ठीक है, तो बॉयल्स लॉ ने क्या कहा, बॉयल्स ने क्या कहा था कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड यू नो पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट मीन्स वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, क्लियर है, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट को कहते हैं पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू। चार्ल्स लॉ एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल टी, पी टू अपॉन वी वन इक्वल टू टी टू अपॉन टी वन लिख सकते हैं। गे लुसाक्स लॉ एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, पी टू अपॉन टी वन is equal to T2 upon T1. Boyle's law, Charles law दोनों को मिला देते हैं, मर्ज कर देते हैं, तो परफेक्ट गैस इक्वेशन आता है, उसको कहते हैं PV equal to nRT. T1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. Yeah. And you know Boltzmann constant KB is equal to R upon N, where R is the gas constant. बहुत बच्चे कहते हैं सर आर क्या रेजिस्टेंस है क्या, नहीं यहाँ पे आर जो है वो गैस कांस्टेंट है। यस, नेक्स्ट वन इज हियर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या होता है, गैस कभी भी रेस्ट में नहीं रहता, मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, गैस नॉट इन रेस्ट, ठीक है, गैस हमेशा मोशन में रहता है, उसको हमेशा चुल मची रहती है, ऐसे लैंग्वेज में बोलो तो हमेशा चुल मची रहती है, वो भागता दौड़ता रहता है। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उतनी ही टेम्परेचर बढ़ेगा। थ्योरी भी एक बताया था मैंने कि बंद रूम में कभी भी फैन नहीं चलाना चाहिए, रूम को ठंडा करने के बजाय वो टेम्परेचर बढ़ाता जाता है। प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ गैस, अगर किसी वेसल में गैस को भर के रख दो तो उस वेसल का जो प्रेशर है कितना होगा, तो फॉर्मूला है P इक्वल टू वन बाय थ्री एम अपॉन वी इंटू वी आर एम एस स्क्वायर, एम बाई वी इंटू वी आर मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होती है, इसी को हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन थ्री रो वी आर एम एस स्क्वायर। तो लिख लीजिए फॉर्मूला, प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस P इक्वल टू वन अपॉन थ्री एम अपॉन वी रो एम अपॉन वी वी आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री रो वी आर एम एस स्क्वायर। आगे मैं बताऊंगा वी आर एम एस को हम लोग सी डैश स्क्वायर भी लिखते हैं, सी डैश स्क्वायर, बोथ आर द सेम थिंग। आगे मैंने फॉर्मूला जो यूज किया है वो ये यूज किया है। वी आर एम एस क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अंडर रूट थ्री पी अपॉन रो। नेक्स्ट वन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस है आपके पास तो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उस मॉलिक्यूल की, तो यू नो ई डैश इज इक्वल टू हाफ एम वी डैश स्क्वायर, इसी को थ्री बाय टू केवीटी कहते हैं। वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो थ्री बाय टू केवीटी होती है, बट मीन काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ अ गैस, गौर करना बेटा एकदम थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस जो होता है हाफ एम वी डैश स्क्वायर, उसी को थ्री बाय टू केबीटी कहते हैं।
लेकिन मीन काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ अ गैस, यस ये पर मोल है, 1/3, 1/2 एम वी आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 आर टी इक्वल टू 3/2 के बी एन टी। अब बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो पर मॉलिक्यूल वाला मोल वाला में यूज कर लेते हैं, मोल वाला मॉलिक्यूल वाला में यूज करते हैं, गलत हो जाता है। मैं इसलिए यहाँ पे स्टार बना देता हूँ। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू नो। फिर से रिपीट करता हूँ वंस मोर, मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इक्वल टू ई डैश इज इक्वल टू 1/2 mv² इक्वल टू 3/2 kBT। यस सर। मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इक्वल टू 1/2 m × Vrms² इक्वल टू 3/2 RT इक्वल टू 3/2 kB × NT। अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तब क्या होगा, तो 1/2 Vrms² 3/2 R/m × T। इसी फॉर्मूले में फोर्थ नंबर में हमने यहाँ पे मैनुपुलेट करके लिखा है। यस। व्हाट इज द एवोगाड्रोज नंबर? आपको पता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, इसी को एवोगाड्रो नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल एम अपॉन एम। ठीक है, अब तुमको सर यहाँ कुछ गड़बड़ सा दिख रहा है। जनरली आप जब भी फॉर्मूला एन लिखते थे, नंबर ऑफ मोल्स लिखते थे, तो उसमें लिखते थे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हाँ, ये तो बेसिक फॉर्मूला था। हाँ, ये था नंबर ऑफ मोल्स का, वो स्मॉल एन हुआ। अच्छा। देखो लिखा है मैंने मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास। एवोगाड्रो नंबर में उल्टा फॉर्मूला यूज होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम। एकदम ध्यान रखिएगा, इसलिए एवोगाड्रो को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इसलिए मैं बहुत बार ना कंफ्यूजन दूर हटाने के लिए इसमें एन ए लिख देता हूँ। एन ए फॉर मींस एवोगाड्रो नंबर। हाँ, एन ए एवोगाड्रो फॉर नंबर। यस सर। स्पीड जो है गैस की, स्पीड थ्री टाइप्स की होती है। एक को कहते हैं एवरेज स्पीड, दूसरे को कहते हैं आरएमएस स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, और थर्ड वाले को कहते हैं एमपी स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। एवरेज स्पीड वी बार इक्वल टू क्या होता है, v1+v2+v3+...vn/n। वी बार इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, √8 kBT/πm इज इक्वल टू √8R(T)/πM इज इक्वल टू √8 PV इक्वल टू nRT होता है, तो पता है ठीक है, n = nRT, RT = PV, तो √8 PV/πm। नेक्स्ट PV/πm स्पीड Vrms, नाम से ही पता चल रहा है, रूट m से हो गया मीन, s से हो गया स्क्वायर। इसका मतलब है पहले स्क्वायर करना है, फिर एवरेज निकालना है, फिर रूट अंडर करना है। एक मिनट, पहले स्क्वायर करना है, फिर एवरेज निकालना है, फिर रूट अंडर। हाँ, अंडर रूट v1² + v2² + v3² + …vn² / n। Vrms इक्वल टू 3 kBT/m इक्वल टू अंडर रूट 3R(T)/M इक्वल टू √8 PV/m। हाँ, 8 PV/m कैसे? ठीक है, इसमें यहाँ पाई एम होता है, यहाँ एम होता है, कैपिटल एम होता है, तो एनआरटी होता है, वो तो पता ही है। नेक्स्ट वन इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसी भी गैस की स्पीड कितनी पहुंच पाती है प्रोबेबली, उसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। वी एम √2 kBT/m इक्वल टू √2 RT/m इज इक्वल टू √2 PV/m। यस सर। डिग्री ऑफ फ्रीडम और स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक गैस। देखो किसी भी गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो हमें बताता है कि वो गैस की एटॉमिसिटी कितनी है और उसका बिहेवियर कैसा होगा और उसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी होगी। मेनली जो बताता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, एनर्जी डिसोसिएशन बताता है। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ। अगर किसी आदमी के घर में 5 आदमी है, किसी घर में पांच आदमी है और दूसरे ने भी कहा कि मेरे घर में भी 5 आदमी है जी। हाँ, यस। अगर मैंने, इसने कहा या ऐसा करते हैं, 5 नहीं लेते, इसमें 4 ले लेते हैं,
ठीक है, इस मेरे घर में 5 persons है, इसमें भी 4 persons। अब इन दोनों से पूछो कि कमाने वाले कितने हैं। इसने बोला 5 लोग जो कमाने वाले हैं, मेरे घर में 4 लोग कमाने वाले हैं। हाँ और इक्वल इक्वल लोग अगर कमा रहे हैं तो देखो ये घर ज्यादा अमीर है रेदर देन दिस घर। अच्छा, लोग इक्वल इक्वल कमा रहे हैं, मतलब पर ये इनकम। हाँ 1000 रुपये कमाता है तो ये 5 × 1000 रुपीज कमाएगा, ये यस थाउजेंड सर, इंटू 4 कमाएगा। अब यस ये सर, घर जो है धीरे धीरे अमीर होता चला जाएगा। यस सर, कहने का सर, मतलब है जितने नंबर ऑफ यहाँ पे पीपल होंगे उतने ही नंबर ऑफ एनर्जी बढ़ती जाएगी उस घर की। अगर किसी की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, किसी की 4 है, तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली 4 वाले की ज्यादा होगी। फोर वाले की। कितनी ज्यादा होगी? तो 4 × ½ kVT, ये फॉर्मूला होता है। इसकी कितनी होगी? 3 × ½ kVT। माना 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है 1 × ½ kVT। 1 × 2 हाफ की। अच्छा, क्लियर है मेरी बात है? ½ की। हाँ, तो यस कहने सर, का मतलब है कि जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम उतने हाफ के बीटी, यही याद रखना है आपको। अच्छा, जितने डिग्री ऑफ वायलेट्स फ्रीडम हो गया। एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू हाफ के बीटी। एंड फॉर अ गैस ऑफ यस पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैविंग एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस यू इज इक्वल टू एफ बाय 2 × RT। यस, एफ बाई टू इंटू आर टी। यस वेयर सर, सीवी इक्वल टू एफ अपॉन 2 × R, सीपी इक्वल टू 1 + F/2 × R। लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपको पूछा जाए 1 मोल ऑफ गैस की एनर्जी कितनी होगी जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ है, तो आप बोलेंगे ½ × FRT। सीवी कितनी होगी? तो FR/2। सीपी कितना होगा? तो R+FR/2। इसका मतलब 1 + F/2 × R। गामा यस, क्या होगा? तो CP/CV, दैट इज द 1 + 2/F। अगर वन मोनो एटॉमिक में गामा। F की वैल्यू 3 है तो U कितना होगा? 3/2 RT। CV कितना होगा? 3/2 R। CP कितना होगा? 5/2 R। गामा कितना होगा? 1.66। ये इसी फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर आपका आता जाएगा। ये सब लिख लीजिएगा और एकदम लर्न करके रखना बेटा, ठीक है? मुझे फटाफट लर्न रहता है, कैलकुलेशन में बहुत कम टाइम लगता है मुझे। अगर डायटोमिक गैस है तो एफ की अच्छा, वैल्यू कितनी होगी? दैट इज द 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 5। टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? 5/2 RT। सीवी क्या होगा? 5/2 R। सीपी क्या होगा? 7/2 R, क्योंकि 1 प्लस है ना यहाँ पे, इसीलिए। गामा क्या होगी? 1.44 या 1.4 लिखते हैं इसको। अगर ट्राई एटोमिक गैस, ट्राई एटोमिक दो तरह के गैस होते हैं, को कहते हैं नॉन लिनियर, दूसरे को कहते हैं लिनियर। तो फॉर अ अच्छा, ट्राई एटोमिक गैस ऑफ नॉन लिनियर मॉलिक्यूल एफ की वैल्यू कितनी होती है? 6। यू इज इक्वल टू क्या होगा? 3 RT। यही सब, ये देखो ये जो फॉर्मूले हैं इसी फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाइए, आंसर आ जाएगा। सीवी कितना होगा? 3 R। सीपी कितना होगा? 4 R। गामा क्या होगी? 1.33। लेकिन अगर ट्राई एटोमिक गैस है और लिनियर मॉलिक्यूल है लेकिन एफ की वैल्यू 7 है, तो यू इज इक्वल टू देखो अच्छा, 7/2 RT। सीवी इक्वल यस, टू 2 R, सीपी इज इक्वल टू 9/2 R, एंड गामा इज इक्वल टू 1.28। 1 2 8। ओके, नाउ लर्निंग एंड रिवीजन फॉर द डे। अब डिटेल टॉपिक डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द गैस लॉज। ठीक है, गैस जिस बिहेवियर को फॉलो करता है उसको अगर हमने लॉ में फॉर्मुलेट कर दिया, उसी को गैस लॉज कहते हैं। बॉयल ने किया था उसको बॉयल्स लॉ कहते हैं। चार्ल्स ने बताया था चार्ल्स लॉ, गे लुसाक्स लॉ, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यूज करके आइडियल परफेक्ट गैस इक्वेशन बताया गया है, और लास्ट में कंपैरिजन ऑफ आइडियल गैस एंड रियल गैस, ये हम सब डिस्कस करेंगे। तो बॉयल्स लॉ क्या होती है? अगर मान लो आपके पास गैस है जिसका मास m है, मतलब फिक्स मास है, यस, ठीक है, तुम अगर इसका प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब हुआ कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली ना इक्वली घटेगा प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो तो घटेगा, वॉल्यूम घटता जाएगा, घटता जाएगा। हाँ, यस, मैंने बढ़ता जाएगा बोल दिया था, ठीक यस है, सर, इसलिए तो बोल, घटता जाएगा, कम होता जाएगा। इसलिए यस ध्यान रखना बेटा, मैं जान जान के गलतियां इस तरह करता रहता हूँ। सर, तो हाँ सर, कहने का मतलब है कि अगर मास कांस्टेंट है
ठीक है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द P. मैं फिर से बोलता हूं, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर. वेयर द टेम्परेचर मीन्स कांस्टेंट, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन P, मीन्स V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल P, तो V इक्वल टू क्या हो गया, K अपॉन P, और यू नो PV इक्वल टू K, वेयर K इज अ कांस्टेंट. And you know, its value depends on the mass of the gas. जो K depend करता है, किस पे depend करता है? Mass of the gas पे depend करता है. Temperature पे depend करता है. Unit पे depend करता है कि किस unit में आपने P और V को measure किया है. ठीक है? तो मैं conclude कर रहा हूँ. Volume is inversely proportional to the pressure, where temperature and mass are constant. जब टेम्परेचर और मास कांस्टेंट है, मतलब के जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और पी और वी को आपने किस यूनिट में लिया है उस पे भी डिपेंड करता है. तो यू नो पी वी इक्वल टू कांस्टेंट मैंने बोला था, तो पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू. अगर मान लो गैस आपके पास है, उसका इनिशियल प्रेशर पी वन है, उसका इनिशियल वॉल्यूम वी वन है, और थोड़े टाइम बाद प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, तो क्या रिलेशन होगा, P1 into V1 वही होगा जो P2 into V2 होगा. ठीक है, तो P और V के बीच इनवर्सली ग्राफ होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेयर T इज द कांस्टेंट. ठीक है, लेकिन आपने P और 1 by V के बीच ग्राफ, तो क्या है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 by V, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होगा, और ये क्या शो करेगा, T इक्वल टू कांस्टेंट. He is constant, yeah. Now, what is the Charles law? अगर प्रेशर और मास आपने कॉन्स्टेंट रखा है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ अ गैस. तो आई कैन से दैट प्रेशर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर. देखते हो ये मैंने दोनों को ग्रीन ग्रीन कर रखा है, जल्दी याद रहेगा आप लोगों को. Yes. Volume is directly proportional to the absolute temperature. Means V is directly proportional T. जब proportionality हटाएंगे, constant डालेंगे, V equal to KT. So V upon T is equal to constant. You know? इस constant को Charles constant भी कहा जाता है. ठीक है? जब temperature, लेकिन absolute temperature है, मतलब Kelvin में होना चाहिए, तो temperature को Kelvin में अगर आपने X axis में लिखा और volume को Y axis में रखा है, तो दोनों के बीच directly proportional है, इसलिए ये क्या show करेगा? प्रेशर इज कांस्टेंट. हां यस, इसी को कांस्टेंट पी का आंसर v1 upon t1 is equal to v2 upon t2, यू नो. यस, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड गे-लुसाक्स लॉ. अगर आपने वॉल्यूम और मास दोनों कांस्टेंट रख दिया है, कैसे बोलते हैं, वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट, द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. मतलब पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल टी. प्रोपोर्शनलिटी हटाइए, कांस्टेंट डालिए, पी इक्वल टू के इनटू टी. तो आई कैन से पी अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट. इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेशर एट टी डिग्री सेल्सियस अपॉन प्रेशर एट जीरो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू टेम्परेचर एट द टी डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर एट द जीरो डिग्री सेल्सियस. ठीक है, या एब्सोल्यूट में रख दीजिए, केल्विन में रख दीजिए, बात एक ही हो गई. लेकिन जब भी टेम्परेचर है केल्विन में लेना चाहिए, वो मैं फाइनल कर देता हूँ. तो गे-लुसाक्स क्या है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. Pt upon P naught, P upon T naught equal to Pt, P upon T is equal to constant. अगर इसके बीच ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, P और T के बीच अगर आपने ग्राफ ड्रॉ किया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ. ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा वॉल्यूम इज कांस्टेंट. अच्छा, ये शो करता है कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट. वॉल्यूम इज कांस्टेंट, हां P और T में है तो वॉल्यूम. हां, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है, किसी गैस को किस रेट से वो गैस डिफ्यूज करेगा. ठीक है, तो कहता है डेंसिटी पे डिपेंड करता है. कैसे डिपेंड करता है, रेट ऑफ डेंसिटी ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी. रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी. आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन अंडर रूट रो.
प्रोपोर्शनली हटाइए, कांस्टेंट डालिए, के अपॉन अंडर रूट रो, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और ये डेंसिटी का रूट, अगर इन दोनों के बीच ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसा होगा ग्राफ। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर आपके पास एक वेसल है उसमें आपने बहुत सारे गैसेस मिला दिए, मान लो ये गैस आपने मिला दिया, फिर आपके पास मान लो इस टाइप का गैस है, और ये गैस ऐसे हैं जो मिक्स नहीं होते एक दूसरे से। हाँ, क्या नहीं होते? मिक्स नहीं, मिक्स नहीं, नॉन मिक्सिंग है ये सारे। हाँ, अच्छा, ठीक है। तो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ठीक है, अच्छा, रिएक्ट नहीं करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे तो नॉन रिएक्टिंग गैसेस ऑक्यूपाइंग अ गिवन वॉल्यूम इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर, मतलब टोटल प्रेशर इक्वल टू इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर, मतलब कहने का मतलब मिक्स कंप्लीटली मिक्स नहीं होते, मतलब मिक्सचर बन जाता है, नॉन रिएक्टिंग गैस, ऐसा बोलना सही रहेगा। P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस डॉट 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 Pn, मतलब पार्शियल प्रेशर का सम। देखो पार्शियल प्रेशर को मैंने स्मॉल पी से यहाँ पे डिनोट किया है, और ये पी जो हुआ कैपिटल प्रेशर, मैंने टोटल प्रेशर हो गया। तो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ अ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इन वॉल्यूम इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर। नाउ आइडियल और परफेक्ट गैस इक्वेशन, ये होता क्या है? PV इक्वल टू NRT कहां से आता है, कैसे आप इसको प्रूव करोगे? ठीक है, तो आपने कहा था कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द P होता है, किसके रेफरेंस से आपने कहा था? बॉयल्स के रेफरेंस से कहा था, इसको बॉयल्स लॉ कहते हैं। फिर आपने कहा था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, किसके रेफरेंस से आपने कहा था? चार्ल्स के रेफरेंस। अब इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, तो आई कैन राइट ऑन कंबाइनिंग V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T अपॉन P, यस और नो? प्रोपोर्शनलिटी हटाइएगा तो एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा, K T अपॉन P, वेयर K इज द कांस्टेंट हियर, ठीक है, इसी को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी कह सकते हैं। P को अगली साइड ले जाइए, T को अगली साइड ले जाइए, तो क्या हो गया? PV अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर है मेरी बात? यस। अगर यहाँ पे PV अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखते हैं तो ये जो कांस्टेंट होता है इसको R कहते हैं, तो PV इक्वल टू R इनटू T। ये कितने मोल ऑफ गैस के लिए है? फॉर वन मोल ऑफ गैस। Yes. अगर आपने कहा नहीं सर n मोल ऑफ गैस ले लीजिए, तब क्या होगा? फॉर n मोल ऑफ गैस यू नो PV इक्वल टू n इनटू RT, ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ मोल्स। इसी को आइडियल गैस इक्वेशन या परफेक्ट गैस इक्वेशन भी कहा जाता है, यही बॉयल्स और चार्ल्स की हेल्प से इसको निकाला गया है, ठीक है। लेकिन अगर तुम कहोगे नहीं वन मोल ऑफ गैस के लिए नहीं, वन ग्राम ऑफ द गैस के लिए देखना है, तब क्या होगा? ठीक है, तो वन ग्राम के गैस के लिए देखोगे तो पीवी इक्वल टू एनआरटी सेम होगा, ठीक है। अगर आर इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन एम नॉट है, देन यू नो इट इज द गैस कॉन्स्टेंट फॉर वन ग्राम ऑफ द गैस। अगर हमने कहा कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस यहाँ पे कर देते हैं, इसको कहते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट, KB इज इक्वल टू R अपॉन NA। इसका मतलब क्या हो गया कि गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू क्या होता है? KB इंटू NA। KB इंटू NA, अच्छा। KB इंटू NA। वेयर यू नो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रोज नंबर। Yes or no? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या फॉर्मूला होता है? कैपिटल एन। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? एन ए। अब देखो पीवी इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया? एनआरटी।
यस और नो? एन के जगह क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एन अपॉन एन ए इंटू आर टी, इसी को फिर क्या लिख सकते हैं, ठीक है, के बी एन इंटू एन ए अपॉन आर टी। अब आर के जगह क्या लिख सकते हैं, के बी इंटू एन ए, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं एन अपॉन एन ए इंटू के बी इंटू एन ए इंटू टी, एन ए एन ए कट गया तो क्या बचा, पी वी इक्वल टू के बी इंटू एन टी। यह सब किसके लिए हो रहा है, 1 ग्राम ऑफ गैस के लिए हो, 1 ग्राम ऑफ गैस। ठीक, तो कभी कभी घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ कि बताइए आइडियल गैस की क्वेश्चन क्या है, बच्चे सिर्फ एक ही बोलते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी। अरे ऐसा थोड़ी है, ये भी बोल सकते हो पीवी इक्वल टू केटी, एक वन मोल ऑफ गैस के लिए पीवी इक्वल टू आरटी, एन मोल ऑफ गैस के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी, 1 ग्राम ऑफ मोल ऑफ गैस के लिए पीवी इक्वल टू के बी इंटू एन इंटू टी। क्लियर है? लिख लीजिएगा ये सारे फॉर्मूले, ये सारा पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा, वो तो पता ही है। कंपैरिजन ऑफ आइडियल गैस एंड रियल गैस, गैस दो तरह के होते हैं, एक आइडियल और एक रियल। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस वही है जो पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करता है, इसी को आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। लेकिन जो आइडियल गैस इक्वेशन को नहीं फॉलो करता है उसको रियल गैस कहते हैं, ठीक है, मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता है, वो कैसा गैस है, वो रियल गैस है, इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो जो नहीं करता है, हाँ। नहीं करता है। तो मैं यहाँ ने मैंने लिखा है कि अ गैस विच ऑब्वियस द आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड आइडियल गैस और परफेक्ट गैस। अगर तुम पीवी कर्व देखते हो, ठीक है, हाँ, पीवी कर्व आप अगर आपने देखा, ठीक है, तो जो आइडियल गैस होगा वो देखना आपको इस तरह से दिखेगा, उसका ग्राफ ऐसा होगा T1 टेम्परेचर पे, ठीक है, T2 टेम्परेचर पे इसका ग्राफ ऐसा होगा, ये आइडियल की बात कर रहा हूं मैं, डॉट लाइन जो है आइडियल को शो कर रहा हूं। लेकिन रियल जब तुम देखोगे रियल गैस के लिए तो क्या देखोगे, ये जो डार्क वाली लाइन है ये आपको दिखेगी, ठीक है, देख रहे हो स्लोप दोनों का चेंज है, और T2 पे देखते हो ये तो एकदम बैंड ही हो जाता है, नीचे की तरफ एकदम आ जाता है एकदम, हाँ ठीक है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर एक्चुअल में बताइए गैस होते कितने तरह के हैं। मैं फिर से बताता हूँ, गैस दो तरह के होते हैं, आइडियल एक रियल, जैसे स्टूडेंट दो तरह के होते हैं आइडियल एंड रियल, टीचर दो तरह के होते हैं आइडियल टीचर रियल टीचर। आइडियल टीचर क्या होना चाहिए, एकदम ऐसा पढ़ाना चाहिए कि एक बार बच्चा को पढ़ा दिया उसके डीएनए में चला गया, ठीक है, पर सारे आइडियल तो होते नहीं है भाई, आइडियल तो होते ही नहीं है, कहने का मतलब है, हाँ अप्रोचिंग टू आइडियल हो सकता है जो जितना अच्छा मेहनत करेगा और जिसकी बातें ज्यादा समझ में बच्चों को आएगी, ठीक है, रियलिटी में वो आइडियल टीचर नहीं होता। उसी तरह आइडियल गैस वही होता है जो पीवी इक्वल टू एनआरटी को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, मतलब इस तरह का डॉटेड लाइन, T1 टेम्परेचर पे ये डॉटेड लाइन होना चाहिए, T2 टेम्परेचर पे ये होना चाहिए, और T1 क्या है, ग्रेटर देन T2 है, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ लैंग्वेज में लिखा है दिस फिगर शोज द कंपैरिजन बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल पीवी कर्व एंड द थ्योरेटिकल कर्व प्रेडिक्टेड बाय द बॉयल्स लॉ, ठीक है। तुमको सर क्या चार्ल्स लॉ के बेसिस पे भी कर सकते हैं क्या, हाँ देखिए चार्ल्स लॉ के बेसिस पे टीवी कर्व इसको कहते हैं, ठीक है, अगर P1 ग्रेटर देन P2 है तो रियल गैस का बिहेवियर देखो इस तरह से होगा, ठीक है, लेकिन आइडियल गैस का कैसा होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, P1 प्रेशर पे, अगर प्रेशर मैंने कम किया तब कैसा होना चाहिए, रियल मतलब आइडियल गैस का जो है मना ऐसा हो जाता है, लेकिन रियल गैस का इस तरह से होता है, yes. तो इन द अबव केसेस वी नोट दैट द बिहेवियर ऑफ अ रियल गैस अप्रोचेस द आइडियल गैस बिहेवियर फॉर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर देख लो, इसलिए आप लोग जो कहते हैं ना कि रियल गैस जो है अप्रोच करता है आइडियल गैस बिहेवियर को जब प्रेशर बहुत कम रहे एंड टेम्परेचर बहुत हाई रहे। Now,
इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ परफेक्ट गैस जो मैंने अभी पहले बताया था, ये PV इक्वल टू क्या होता है, NRT होता है। अगर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, तो आइडियल गैस क्या हो, इक्वेशन क्या होगा, PV इक्वल टू NRT फॉर N मोल ऑफ गैस। वन मोल ऑफ गैस के लिए क्या होगा, PV इक्वल टू RT, इसी को PV अपॉन T इज इक्वल टू R बोल सकते हैं। R को ही गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी SI यूनिट जो होती है जूल पर मोल केल्विन। इसकी वैल्यू होती है, लिख लीजिए, इसके बहुत सारे वैल्यूज होते हैं और ये कंफ्यूज करता है बच्चों को, लिख लीजिएगा R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और 8.314 इंटू 10^7 अर्ग पर मोल पर केल्विन। अप्रोक्सीमेटली ये 2 कैलोरी पर मोल केल्विन के इक्वल होता है। इसका डायमेंशन क्या होगा, तो निकाल लीजिएगा, R इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ P अपॉन डायमेंशन ऑफ V अपॉन डायमेंशन ऑफ T, निकाल लीजिएगा। देन यू नो प्रेशर का ML क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ML टू द पावर -1 टू द पावर -2। वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, L क्यूब। T का ये T जो है टेम्परेचर है, ठीक है, तो क्या हो गया, M L स्क्वायर T टू द पावर -1, थीटा को भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर को थीटा लिख दिया, थीटा टू द पावर -1। गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू क्या होता है, तो अभी हमने प्रूव किया कि PV इक्वल टू NRT, अब PV जो है वर्क डन के इक्वल होता है, तो R इज इक्वल टू वर्क अपॉन मोल इनटू टेम्परेचर। जरा देखिएगा फिर से अच्छा से इसको, अगर मैं R पूछूं तो R इक्वल टू क्या होगा, PV अपॉन N इनटू T। PV इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन N इनटू T, मोल्स इनटू टेम्परेचर। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस के लिए निकालते हैं, तो जो मैंने प्रूव कर पहले बताया था कि परफेक्ट गैस इक्वेशन अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस के लिए निकालते हैं, तो PV इक्वल टू स्मॉल KT हो जाता है। इसी स्मॉल K को KB भी कहा जाता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय पर मोल गैस कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड K इज इक्वल टू R अपॉन N। R की वैल्यू 8.31 पुट कर दीजिए, अवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10^23 पुट कर दीजिए, तो रेशियो क्या आएगा, 1.38 इंटू 10^-23 जूल पर केल्विन। लिख लीजिए, ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू होती है। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, जो अभी हमने निकाला था, ml स्क्वायर टी टू द पावर -2 थीटा टू द पावर -1। थीटा मतलब टेम्परेचर ना, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। न्यू टॉपिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस रिलेट्स द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैस लाइक प्रेशर टेम्परेचर टू द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल लाइक स्पीड मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। ये इन दोनों को रिलेट करता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के बीच एक ब्रिज बनाने का काम करता है। What are the assumptions of the kinetic theory of gas? ऐसे समझ लो, गैस जो है कभी भी बैठा नहीं रहता है, ठीक है, और वो कभी भी अकेला नहीं रहता है, वो हमेशा झुंड में रहता है। वो डायलॉग नहीं कहते हैं, ठीक है, कि भेड़िए तो हमेशा झुंड में रहते हैं, टाइगर तो हमेशा अकेला रहता है, तो उसी टाइप का गैस मॉलिक्यूल जो है वो हमेशा झुंड में रहता है, झुंड में रहता है, वो अकेला रहना पसंद नहीं करता है, माने डरपोक टाइप का है, टीमिड टाइप का है, ऐसा समझ लो। हाँ, यू नो एवरी गैस इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज द मॉलिक्यूल्स, एंड यू नो द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज मच स्मॉलर देन द इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिंग। मॉलिक्यूल ऑफ गैस जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, सारे एक जैसे होते हैं, रिजिड होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। तो मैंने लिखा है The molecules of a gas are identical, spherical, rigid and perfectly elastic point masses. Yes. Molecule कभी भी rest में नहीं रहता है, तो मैंने वही लिखा है, molecules are in a state of random rapid motion. They collide with each other. There is no loss of energy during collision. कुछ लोग देखते हो झगड़ा करने में माहिर होते हैं, वो किसी ना किसी से टकराते रहते हैं, मतलब ऐसा लगता है उसकी एनर्जी लूज ही नहीं हो रही है। अगर वो नहीं खाएगा तो बेचारा बीमार हो, मतलब क्या कहते हैं, नहीं झगड़ा करेगा तो बीमार हो जाएगा। तो गैस भी उसी तरह का कि वो अगर टकराएगा नहीं तो वो बीमार हो जाएगा, वो टकराते रहता है। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन, ओनली द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज्ड।
ऐसे याद रखो कि झगड़ा करने वाला का आदमी सिर्फ चेंज हो जाता है, वो आज इससे झगड़ा किया तो कल उससे झगड़ा करेगा, लेकिन बिना झगड़ा किए रहता नहीं है। तो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि एवरी, और आगे भी बताऊंगा बहुत कुछ, लेकिन पहले डिस्कस करता हूँ कि गैस मॉलिक्यूल जो है वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको मॉलिक्यूल कहते हैं। साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज मच स्मॉलर देन द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग, बहुत छोटा होता है। और मॉलिक्यूल ऑफ गैस आइडेंटिकल, स्फेरिकल, रिजिड एंड परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, और ये हमेशा रैपिड मोशन में होते हैं, कोलाइड करते रहते हैं एक दूसरे से, और उसकी एनर्जी लूज नहीं होती है, इसीलिए तो इलास्टिक कोलिजन है, इसके डायरेक्शन हमेशा चेंज होते रहती है। यस, ये जब एक मॉलिक्यूल मान लो इससे इससे टकराया, फिर ये मॉलिक्यूल जाके दूसरे से टकरा जाएगा, फिर ये दूसरे से टकरा जाएगा, ये दूसरे से टकरा जाएगा, ऐसे टकराते रहेंगे, ठीक है। तो इनके बीच में जो टाइम लगता है वो बहुत कम होता है। द टाइम स्पेंड इन कोलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स। एंड यू नो द नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम इन अ गैस रिमेंस कॉन्स्टेंट, ये हमेशा कॉन्स्टेंट होता है। यूनिट वॉल्यूम में कितना बार कॉलिजन होगा वो हमेशा फिक्स्ड होता है। नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्ट बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सब एकदम एक जैसा रहता है। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल इज इनइफेक्टिव ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल मासेस एंड वेरी हाई स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ग्रेविटेशन अट्रैक्शन इज इनइफेक्टिव, हां यस सर, क्योंकि इसका मास बहुत कम होता है और इसकी स्पीड जो है बहुत हाई होती है। And molecules constantly collide with the walls of the container. अगर एक कंटेनर में रख दिया, कभी इससे टकराते रहता है, टकराते रह रहा है हमेशा। Due to which their momentum change, the change in momentum is transferred to the walls of the container. ठीक है, जिसके कारण कि वो जो कंटेनर है उसमें एक प्रेशर एग्जर्ट होता है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, आगे मैं बताऊंगा, P equal to 1 by 3 rho V square, where V is the VRMS. So, you know, on the walls of a container, pressure is exerted by gas molecules and the density of gas is constant at all points of the container. Its density is always constant. It's not that it's either from here or from here, it's not that it's throughout uniform. Yeah. Work done on compressing a gas. ठीक है, अगर मान लो आपने गैस रखा है, बलून में भर लिया है मान लो, और तुमने उसको दबा के दबाने की कोशिश की, तो तुम्हें कितना वर्क करना पड़ेगा? तो यू नो वर्क डन पी, वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इनटू डेल्टा वी, वेयर पी इज द प्रेशर ऑफ द गैस एंड डेल्टा वी का चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस। सपोज करो दो आइडियल गैस है, यहां एक आइडियल गैस है, यहां एक आइडियल गैस है, दो मैंने दो नंबर मत समझ लो, दो वेसल में रखा हुआ ऐसा समझ लो। Yes. When two ideal gases having the molar masses M1 and M2 are mixed, दोनों को मिक्स कर दीजिए, तो अब जो थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर जो होगा उस मिक्सचर का कैसे चेंज होगा? अगर मुझे ओवरऑल मोलर मास निकालना है, ठीक है, मान लो ये एक वेसल था, ये दूसरी वेसल थी, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, तो इन दोनों के जो आइडियल गैस हैं जब मिक्स हो जाएंगे तो फाइनल मोलर मास क्या होगा? N1 M1 plus N2 M2 upon N1 plus N2. अगर इसका नंबर ऑफ मोल N1 है, इसका नंबर ऑफ मोल N2 है, इसका मास M1 है, इसका मास M2 है, तो N1 M1 plus N2 M2 upon N1 plus N2. Yeah. EV क्या होगा उस मिक्सचर का? ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा? तो N1 CV1 plus N2 CV2 upon N1 plus N2. CP ऑफ द मिक्सचर क्या होगा? कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इक्वल टू यू नो N1 CP1 plus N2 CP2 upon N1 plus N2. गामा ऑफ द मिक्सचर क्या होता है? आपको पता है गामा इज इक्वल टू CP अपॉन CV होता है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, N1 plus N2 N1 plus N2 कट जाएगा, तो क्या आंसर आएगा? N1 CP1 plus N2 CP2 upon N1 CP1 plus N2 CP2. ठीक है, इसको और अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, N1 plus N2 upon gamma minus 1 is equal to N1 upon gamma minus 1 plus N2 upon gamma minus 1. इसको पहले स्टॉप करके सारा लिख लीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर, अगर आइडियल गैस आपके पास है, ठीक है,
द पॉइंट पार्टिकल्स कैन हैव ओनली ट्रांसलेशनल मोशन एंड दस ओनली द ट्रांसलेशनल एनर्जी, ठीक है। लेकिन ऐसा पता है आइडियल गैस तो होता नहीं है, लेकिन मैं यहां पे आइडियल गैस की बातें कर रहा हूं कि आइडियल गैस है तो उसका जो पार्टिकल होगा वो पॉइंट पार्टिकल होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होगा, वो रोटेट नहीं करेगा। हाँ समझ रहे मेरी बात है कि अगर yes, sir, रोटेट तो नहीं तो मैंने स्ट्राइक कराया तो वो सीधा सीधा जाएगा, ट्रांसलेशनल जाएगा अगर वो आइडियल है तब। हाँ इसको याद रखने का तरीका बता देता हूं, जो आइडियल स्टूडेंट वो क्या करेगा, घर से निकलेगा एकदम सीधा माना कॉलेज पहुंचेगा या स्कूल पहुंचेगा, यस एकदम स्ट्रेट, कहीं भी इधर उधर नहीं जाएगा, कहीं भी इधर उधर देखेगा होगा नहीं। लेकिन yeah. ऐसा तो आपको पता है होता नहीं है, रियल बच्चे होते हैं भाई, रियल स्टूडेंट है, तो वो कहता है घर से निकलेगा तो सबसे पहले देखेगा कि फ्रेंड मेरा निकला या नहीं, अच्छा ठीक है, फिर वो देखेगा कि लेफ्ट yeah. में है राइट में क्या, नहीं तो टकरा जाएगा भाई ये भी तो ध्यान रखो yes. तो कहने का मतलब है कि ट्रांसलेशनल मोशन सिर्फ आइडियल गैस में होती है और रोटेशनल नहीं yes, होती। तब उस समय में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल कितनी होगी, ठीक है, यू नो ई डैश इज आप एम सी डैश स्क्वायर, या इसी को सी बार स्क्वायर कहते हैं, डैश में बार बार बोलता हूं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं सी बार स्क्वायर कह देता हूं, ये एक्चुअल में वी आर एम एस ही है, वी आर एम एस को ही सी बार स्क्वायर कहा जाता है, ठीक है। तो यू नो ई बार इक्वल टू हाफ एम सी बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 के बी टी, मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना होगा, तो वही होगा जो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट इज द 3/2 के बी टी। समझा मेरी बात? यस भाई, टोटल एनर्जी कितनी होगी, जो आपकी मीन एनर्जी है, एवरेज एनर्जी है पर मॉलिक्यूल, मीन काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम मोल क्या होगा, तो डिवाइड कर दीजिए, तो E इक्वल टू हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर इक्वल टू 3/2 आर टी इक्वल टू 3/2 के बी एन टी, जो हमने प्रूव किया था पहले, 3/2 एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस कितना होता है, 3/2 पी वी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या होगा, 3/2 पी वी अपॉन एन, एन से डिवाइड कर दीजिए, इसी को 3/2 आर टी अपॉन एम। मेडिकल में यही सब क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछते रहते हैं, पूछेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी बताइए, मीन काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम मोल बोल दीजिए, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पर मोल क्या होता है, तो 3/2 के टी। इसी से पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अगर तुम काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, इसीलिए बंद रूम में कभी भी, क्लोज्ड रूम में कभी भी फैन नहीं चलाना चाहिए, वो आपके रूम का टेम्परेचर घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। पूछो क्यों, क्योंकि फैन चलती रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो आपके रूम में जो गैस है उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आपके रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। इसीलिए जहां पे फैन चलाया जाता है उस रूम में खिड़की वगैरह डाले खिड़की रहते हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा, खिड़की रहता है ऊपर वेंटिलेशन रहती है, जिसके कारण कि गर्म हवा हुआ जैसे ही टेम्परेचर उसका बढ़ा वो उस गर्म एयर को बाहर निकाल देते हैं हम लोग, फिर हमारा रूम ठंडा yes. हो जाता है। इसी के साथ ऐसा नहीं करते हैं तो यू नो काइनेटिक एनर्जी पर मोल इक्वल टू 3/2 के टी एंड काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम इज इक्वल टू यू नो 3/2 पी। व्हाट इज द कंसंट्रेशन, अगर एक वेसल में आपने गैस रख दिया है और वो गैस आपके पास परफेक्ट गैस है, आइडियल गैस है, तो इसके वॉल पर प्रेशर एग्जर्ट होगा क्योंकि एक दूसरे से टकराते रहेगा, आपको पता है टकराने से क्या कहते हैं प्रेशर फील होती है, तो प्रेशर पी एग्जर्टेड बाय परफेक्ट गैस ऑन द वॉल्स ऑफ अ कंटेनर you know p equal to 1/3 mn upon v into c bar square is equal to 1/3 m upon v c bar square equal to 1/3 rho c bar square and you know pv equal to 1/3 yes. c bar square is equal to 2 से divide 2 से multiply कर दीजिए 1/3 2/2 rho c bar square
इसी को 2/3 इंटू हाफ रो सी बार स्क्वायर, दैट इज द 2/3। तो ये जो फॉर्मूला पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई होता है वो यहीं से आता है, वेयर एम इज द मास ऑफ इच मॉलिक्यूल, सी बार इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, रो इज द डेंसिटी ऑफ गैस, एम इक्वल टू मास ऑफ गैस इनक्लोज इन द वॉल्यूम वी ऑफ कंटेनर, एंड कैपिटल इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। क्लियर? यस सर। नाउ वेरियस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, आपको पता है कि गैस मॉलिक्यूल्स के जो है थ्री टाइप्स के स्पीड होते हैं, एक को कहते हैं एवरेज स्पीड, दूसरे को कहते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तीसरे को कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड? द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द स्पीड ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या है? देखो, रूट मीन स्क्वायर, तो सबसे पहले इंडिविजुअल स्पीड का स्क्वायर करना है, फिर उसको ऐड करके एन से डिवाइड कर देना है, मतलब मीन निकालना है, और पूरे का रूट अंडर कर देना है। इसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। फॉर्मूला होता है वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस वी थ्री स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस वी एन स्क्वायर अपॉन एन। प्रेशर पी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर। वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट 3p अपॉन रो। अंडर रूट 3p अपॉन रो। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 kVt अपॉन m, अंडर रूट 3 rt अपॉन m, अंडर रूट 8 pv अपॉन m। ये सब सारे रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला है। यस सर। व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड? द मैक्सिमम स्पीड विच पोजेस्ड बाय द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। ज्यादा से ज्यादा जो फ्रैक्शन ऑफ गैस है वो जो मैक्सिमम को अटेंड करता है उसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। द स्पीड विच इज पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। You know, it is the VMP is equal to under root 3 kVt upon m, equal to under root 3 rt upon m, equal to under root 2 p. Sir, 2 ना? हाँ। तो नहीं बोलोगे तो मैं 2 kVt upon m। जब नहीं ध्यान देगा तो मैं बोलूँगा इससे। Under root 2 kVt upon m. 2 kVt upon m is equal to rt upon m under root 2 pv upon m. Yes. Third speed को कहते हैं average speed। तो जितने भी molecule हैं सबका speed का average निकाल दो। इसी को कहते हैं द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल इन अ गैस एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड वी बार इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस डॉट 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 वी एन अपॉन एन। वी बार इक्वल टू अंडर रूट 8 kVt अपॉन पाई एम इज इक्वल टू अंडर रूट 8 rt अपॉन पाई एम इज इक्वल टू अंडर रूट 8 pv अपॉन पाई एम। एवरेज देखिए, ये आपके पास जो है ये वीएमपी है, ये वीआरएमएस है, और बीच में एवरेज, मतलब एवरेज जो है वो वीएमपी और वीआरएमएस के बीच में होता है। या नाउ व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम? न्यू टॉपिक, ठीक है? यस सर। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ये एक तरह से गैस के पैरामीटर को बताता है। तुमको अगर सर इसका मतलब रेफर करता है कि पॉसिबल इंडिपेंडेंट मोशन जो है किसी सिस्टम का जो होगा वो किस किस पर डिपेंड करेगा, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन होगा या रोटेशनल मोशन होगा, कैसा होगा, ये सब सब डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता है। यस। अगर गैस मॉलिक्यूल आपने छोड़ा, ठीक है, तो वो देखना वो वॉल्यूम वाइज किधर भी स्कैटर्ड हो सकता है। Yes, किधर भी ट्रांसलेशनल मोशन भी हो सकती है, रोटेशनल मोशन भी हो सकती है, रेंडम मोशन भी हो सकता है, जिगजैग हो सकते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें बताता है कि उसका मोशन कैसा होगा। द टर्म डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम रेफर्स टू द पॉसिबल इंडिपेंडेंट मोशन अ सिस्टम कैन हैव। अगर एटॉमिक गैस है तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3 होती है। डायटोमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है। डायटोमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होती है, अगर नॉन लिनियर है, लिनियर है तो 7 होती है।
और अगर n एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 6n-3। n एटॉमिक लिनियर मॉलिक्यूल है तो 6n-5। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम से ही हमें पता चलता है कि मॉलिक्यूल के पास गैस कितना है, वो मैं आगे बताऊंगा, कितने नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, कितनी एनर्जी है, कितनी उसकी डेंसिटी है, बहुत कुछ पता चलता है। तो सबसे अच्छा एक जो है उसको कहते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, यह डिग्री ऑफ फ्रीडम से ही पता चलता है कि एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। सपोज कीजिए ये आपके पास है, टोटल आपके पास 1 crore रुपीस है, 1 crore रुपया है आपके पास, और इसमें 5 मेंबर्स अगर हैं, 5 डिवीजन है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिवीजन है, और इक्वली डिवीजन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक को 20 lakh मिलेगा, दूसरे को भी 20 lakh, तीसरे को भी 20, सबको 20-20 lakh करके मिलेंगे। यस सर, ठीक है, इसको कहते हैं इक्विपार्टीशन ऑफ रुपीस। लेकिन अगर एनर्जी होता तो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। यस, यहां हम लोग क्या करते हैं, जो भी 1 crore है, जितने डिस्ट्रीब्यूशन है उसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, जितने नंबर ऑफ पर्सन है उससे डिवाइड कर दिया हमने। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी फॉर एनी सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, द टोटल एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स वेरियस डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एसोसिएटेड विद एनर्जी विच इज कॉल्ड हाफ केवीटी। यस, अगर मान लो 3 degree ऑफ फ्रीडम है ऐसा, तो इसका जो होगा वो होगा हाफ केवीटी एनर्जी होगी, इसकी भी हाफ केवीटी एनर्जी होगी, इसकी भी हाफ केवीटी एनर्जी होगी, तो टोटल कितना हो गया 3/2 केबीटी, वेयर केबी इज कॉल्ड बोल्ट्जमान, 1.38 × 10⁻²³ जूल पर केल्विन, कैपिटल टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। क्लियर है? सर, नहीं सर, एक मिनट बोलो। एनी सिस्टम में टोटल एनर्जी को मतलब 3 ही पार्ट में क्यों डिवाइड कर, 3 अगर यहां पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम था इसीलिए, अगर मान लो ये 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका क्या हो जाता, 5/2 केबीटी, मतलब एक इंडिविजुअल डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी हाफ केबीटी होती है। यस सर, पढ़ के सुनाइए, व्हाट इज द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी फॉर एनी सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, द टोटल एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स वेरियस डिग्री ऑफ फ्रीडम, and each degree of freedom is associated with energy half kbt, where kb is equal to Boltzmann constant. Now, specific heat capacity for solids, ठीक है? Yeah. देखिए, near the room temperature, the molar specific heat of most of the solid at constant volume is equal to 3R, या 6 calorie per mole per farad, या 25 joule per mole per kelvin. ये वैल्यू होती है। yes. इसी को ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ भी कहा जाता है, ठीक है? yes, sir. तो कहने का मतलब क्या है, इसको समझो ऐसे कि अगर आपके पास सॉलिड्स हैं नियर द रूम टेम्परेचर, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास, उसकी जो मोलर स्पेसिफिक हीट होगी वो कितनी होगी, 3R होगी। यही मेन चीज है। आपने कोई सॉलिड उठाया, रूम टेम्परेचर पे आपने मोलर स्पेसिफिक हीट देखा कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो उसकी वैल्यू 3R है। इसी को ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ कहते हैं। अब इसका मैं प्रूफ देता हूं। सॉलिड में एटम जो है वाइब्रेट करता है अपने मीन पोजीशन पे, बिल्कुल। ड्यूरिंग द वाइब्रेशन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एटम चेंजेस कंटिन्यूअसली द टू पोटेंशियल एनर्जी into the potential energy and vice versa, kinetic energy potential energy में, potential energy kinetic energy में। yes sir. तो average value of EK and EP means kinetic energy plus potential energy are equal in a solid। yes, तो an atom can vibrate along the 3 mutual perpendicular direction, तो इसका मतलब है कि 3 mutual
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये वाइब्रेट करेगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये क्या होगी, वाइब्रेट होगी, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, थ्री। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू थ्री। तो इसके अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ इक्विपार्टेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, थ्री इंटू हाफ केवीटी, थ्री इंटू हाफ केवीटी इज इक्वल टू थ्री बाय टू केवीटी, मैं ऐसा लिख देता हूँ। Yes, sir. Similarly, potential energy भी क्या होगी, थ्री इंटू हाफ केवीटी, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज करता रहता है। Yes, sir. तो एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी कितना होगा, तो मैं लिख रहा हूं एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी पर एटम इज पर एटम ई के प्लस ईपी is equal to 3 by 2 plus 3 by 2 become 3 kBT. Yes. Yes or no? The total vibrational energy or the internal energy of one mole of atom kya hoga? 3 kBT. Mein likh dete hain. The total vibrational energy plus 3 kBT. The internal energy, internal एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ एटम एटम्स ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू यू नो यू इज इक्वल टू एन ए इंटू थ्री के बी टी और आपको पता है आर इज इक्वल टू क्या होता है के बी इंटू एन ए पहले भी बता चुका हूं मैं तो के बी इंटू एन ए को आर तो आंसर इज थ्री आर टी कितना सॉलिड की अगर चेंज इन वॉल्यूम नेग्लिजिबल है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ यू प्लस पी डेल्टा वी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द डेल्टा यू एंड एक मिनट क्या इक्वल टू यू नो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी अच्छा मतलब वर्क का वैल्यू बहुत लेस होगा डेल्टा टी हाँ ठीक है क्यों तो इस क्या बोलो क्यों मतलब वर्क का वैल्यू क्यों हम लेस पकड़ते हैं देखो मैंने वर्क का नहीं डेल्टा वी जो है वो नेग्लिजिबल ले लिया मैंने हाँ अच्छा दैट्स व्हाई वॉल्यूम चेंज ऐसे भी तो नेग्लिजिबल होगा ठीक है हाँ हाँ अब डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी इसका मतलब है डेल्टा यू बाय टी भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं थ्री आर टी अपॉन टी 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 कट आंसर इज थ्री आर प्रूव्ड यस तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड नियर द रूम टेम्परेचर इज 3R और 6 कैलोरी पर मोल पर फेराड वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड विथ टेम्परेचर ठीक है वेरिएशन ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट किस पे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है टेम्परेचर और इसका ग्राफ कैसा होता है वो इस तरह से होता है और एक टाइम पे जाके वो कांस्टेंट हो जाता है वो 3R हो जाता है और ये लगभग रूम टेम्परेचर पे होता है अच्छा ये कांस्टेंट जो पार्ट होता है कांस्टेंट पार्ट होता है द टेम्परेचर एट विच द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम बिकम्स इक्वल टू 3R दिस इज कॉल्ड डिवाई टेम्परेचर ऐसे टेम्परेचर को क्या कहते हैं डिवाई टेम्परेचर टेम्परेचर कहते हैं यप नाउ न्यू टॉपिक इज यार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर हम लोग वाटर को सॉलिड की तरह ट्रीट करते हैं ऐसा कैसे तो मैं मान लो ऐसा कर लेते वी मे ट्रीट वाटर लाइक अ सॉलिड लेट कर लीजिए तो बाय द लॉ ऑफ इक्विपार्टेशन ऑफ एनर्जी द एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी पर एटम इज 3 केवीटी Yes or no? Yes. So variation of specific heat of water with temperature पहले क्या होगा देखो decrease करेगा और फिर क्या होगा increase होता चला जाए क्योंकि water जो 0 degree Celsius पे जो water होता है वो less dense होते हैं rather than 4 degree Celsius हाँ water more dense मोस्ट डेंस बोल देता हूँ ये ज्यादा अच्छा रहेगा वॉटर जो है
सबसे ज्यादा डेंस कब होता है? जब 4 डिग्री सेल्सियस। यस सर। लेस डेंस कब होता है? जब 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो वाटर शोज द पेक्युलर बिहेवियर और स्पेसिफिक हीट फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट करता है फिर ये इंक्रीज करता है विद टेम्परेचर। अच्छा, नाउ न्यू टॉपिक इज हियर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस जो होता है उसकी बहुत सारी वैल्यूज होती है। स्पेसिफिक हीट, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट एरिया, कांस्टेंट बहुत कुछ होता है। ठीक है, कांस्टेंट एंथैल्पी, कांस्टेंट एंट्रोपी। Yes. लेकिन इसमें जो दो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं बच्चे से पूछता हूँ कि बताइए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस कितने टाइप के होते हैं, वो तो सब दो होते हैं। अरे दो नहीं होते भाई, होते बहुत सारे हैं। दो मेन स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। एंड यू नो द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज the quantity of heat required to raise the temperature of unit mass of gas through 1 degree celsius or 1 kelvin when its volume is kept constant. yep. इसका मतलब है कि उतना हीट आपने दिया जिससे कि उस गैस का यूनिट मास गैस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया जबकि तुमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है। yep. समझ में आई बातें? यस सर। आपको पता है फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम इंटू सी वी डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू एम इंटू कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो बताइए सी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू ऑफ वी अपॉन एम डेल्टा टी। यस। और वन मोल ऑफ गैस, यू नो कैपिटल सी वी इक्वल टू एम इंटू स्मॉल सी वी, तो कहने का मतलब मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये स्मॉल है, ये स्मॉल सी भी है, लेकिन अगर वन मोल के लिए निकालोगे तो कैपिटल एम से मल्टीप्लाई कर दो। तो एम इनटू डेल्टा क्यू वी अपॉन एम डेल्टा टी। और आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यस। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो वन अपॉन एन इंटू डेल्टा क्यू वी अपॉन डेल्टा टी, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। इसको लिखो बेटा पहले। नाउ स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है, इसका मतलब है कि इतना हीट आप किसी भी गैस को दो यूनिट मास ऑफ गैस को जिससे कि उसका टेम्परेचर या तो 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ जाए। yes. इस कंडीशन में प्रेशर कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। जितना हीट आपने दिया दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। डेफिनेशन इज हियर, द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस थ्रू 1 केल्विन व्हेन इट्स प्रेशर इज केप्ट कॉन्स्टेंट। यस और यू नो तो जब प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पी लिख दूंगा, यहाँ भी पी लिख दूंगा मैं, तो सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यूपी अपॉन एम डेल्टा टी। फॉर वन मोल ऑफ गैस कैपिटल सीपी इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू स्मॉल सीपी, और n इक्वल टू m अपॉन m होता है, तो फाइनल सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन n इनटू डेल्टा qp अपॉन डेल्टा t। नाउ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर जो होता है वो बड़ा होता है हमेशा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कहने का मतलब इज ग्रेटर देन cv। यस सर। चाहे तुम स्मॉल सीपी कहो वो भी ग्रेटर देन स्मॉल सीपी, कैपिटल सीपी कहो वो भी ग्रेटर देन कैपिटल सीपी। और सीपी माइनस सीवी जो होता है, ठीक है, स्मॉल सीपी माइनस स्मॉल सीवी इक्वल टू आर अपॉन जे। यस। तो वो सर ये जे क्या है? वही जूल सीपी। आपने
जूल्स इक्विवेलेंट बोला था इस फॉर्मूले को मेयर्स रिलेशन कहते हैं। अच्छा बट इफ सीपी एंड सीवी आर द मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ वर्क एंड आर इज आल्सो इन द यूनिट्स ऑफ वर्क और एनर्जी तब सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू कैपिटल आर। यस सर। नाउ न्यू टॉपिक डिग्री ऑफ फ्रीडम और स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोएटॉमिक डायएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक गैसेस। पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, ठीक है? ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने पूरा डिटेल एक क्वेश्चन बना दिया है। यूजिंग द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ सीपी सीवी एंड गामा फॉर मोनोएटॉमिक डायएटॉमिक एंड ट्रायएटॉमिक गैसेस। अच्छा आपको फर्स्ट नंबर स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोएटॉमिक गैस निकालना है। तो पहले समझना बेटा, मोनोएटॉमिक गैस है लाइक हीलियम आर्गन, ये मॉलिक्यूल के पास 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। यस। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू हाफ केवीटी। हाफ केवीटी हाँ। तो एवरेज एनर्जी विद 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एवरेज एनर्जी विद 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 केवीटी। बिल्कुल। आर गैस कांस्टेंट पर मोल ऑफ गैस होता है, एनए एवोगाड्रो नंबर होता है, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? तो टोटल, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस कितना होगा? दिस इज द कैपिटल यू विच इज द 3/2 केवीटी इंटू एन ए। आपको पता है कि आर इज इक्वल टू के बी इंटू एन ए होता है, तो के बी इंटू एन ए आर हो गया, तो आंसर इज 3/2 आर टी। आर टी हाँ। यस और नो? यस सर। नाउ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कितना होगा? तो द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो ये भी तो नहीं वॉल्यूम, इसका मतलब सीवी बोल रहा है, तो सीवी ऑफ मोनो एटॉमिक क्या होगा? इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 3/2 आर टी। डिफरेंशिएशन करें 3/2 कांस्टेंट है, टी का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो आंसर इज 3/2 आर। इसी तरह से द मोलर, मैं लैंग्वेज भी लिख देता हूं जिससे कंफ्यूज आप ना हो, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा? यू नो इट इज सीपी, अगर ये मोनो एटॉमिक है तो सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर, तो सीपी इक्वल टू सीबी प्लस आर, देन यू नो 3/2 आर प्लस आर इज इक्वल टू 5/2 आर। आप अगर सी बाई टू आर प्लस आर, हाँ, और एक बढ़ेगा, तो गामा इज इक्वल टू क्या होता है? सीपी अपॉन सीवी, 5/2 आर अपॉन 3/2 आर, आर आर कट, टू टू कट, आंसर इज 5/3 इक्वल टू 1.67 हो गया आंसर। यस, विदाउट प्रूफ हम लोग किसी की बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस कौन कौन है जी? ऑक्सीजन ले लीजिए, नाइट्रोजन ले लीजिए, ये सब सारे डायटोमिक गैसेस हैं। ये जो है रिजिड रोटेटर की तरह काम करता है, इसके पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, 3 ट्रांसलेशनल मोशन होती है इसमें, 3 ट्रांसलेशनल मोशन और 2 रोटेशनल मोशन होता है, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? और 3 ट्रांसलेशनल का मतलब x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस,
ठीक है, तो यस टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी इसकी? फाइव। फाइव टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री यस ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू यू नो फाइव। तो जब डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइव है, तो अकॉर्डिंग टू द इक्विपोटेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ मोल ऑफ गैस क्या हो जाएगा? तो यू नो दिस इज द 5/2 KBT, ठीक है, और इनटू यस एनए एवोगाड्रो नंबर के लिए। तो एनए इनटू केबी इक्वल टू आर, तो 5/2 RT, यस और नो? यस अगर सीवी निकालना है फॉर रिजिड डायटोमिक, रिजिड डायटोमिक, तब क्या होगा? PU/DT। तो 5/2 RT का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, यू नो दिस इज द 5/2 R। सीपी निकाल लीजिए फॉर रिजिड डायटोमिक, यू नो सीबी प्लस आर, 5/2 R + R बिकम 7/2 R। गामा निकाल लीजिए डायटोमिक का, रिजिड डायटोमिक का गामा इज इक्वल टू क्या होता है? CP/CV, 7/2 R / 5/2 R बिकम 7/5 इज इक्वल टू 7/5। अभी तक हम लोग रिजिड डायटोमिक का निकाल रहे थे, अब नॉन रिजिड का निकाल रहे हैं, नॉन रिजिड डायटोमिक, ये दो यस तरह होते हैं इसीलिए, ठीक है। तब टोटल एनर्जी कितना होगा पर मॉलिक्यूल? तो 2 × 1/2 KBT, ठीक है, टू बिकॉज इंटू हाफ इसके पास काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों जो है मोड होगा इसमें ना। यस समझा या नहीं समझा? यस सर। हाँ, काइनेटिक और पोटेंशियल तो दोनों हो गए। पहले फिर से समझो, अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है जो रिजिड नहीं है, इसके पास एक वाइब्रेशनल मोड होगा, तो ईच मॉलिक्यूल हैज एन एडिशनल एनर्जी इक्वल टू 2 × 1/2 KBT, इसका मतलब KBT। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जी मोड है, तो टोटल एनर्जी कितना हो गया? 5/2 KBT पहले तुमने कहा था, और प्लस 2 × 1/2 KBT, 2 और 2 कट गया, तो 5/2 KBT + KBT इज इक्वल टू 7/2 KBT, और यस टोटल के लिए निकाल रहे हैं तो इनटू एनए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एनए इनटू केबी यस आर होता है, तो 7/2 R × T। अब अगर सीवी निकालते हैं तो मैं यहां लैंग्वेज में लिख देता हूं कितना हो, डायटोमिक विद वाइब्रेशनल मोड, ठीक है, तो क्या होगा? DU/DT, डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो 7/2 R। इसी तरह से सीपी निकालते हैं, डायटोमिक विद द वाइब्रेशनल मोड, तो यू नो CV+R, तो 7/2 R + R बिकम 9/2 R, ठीक है। अब गामा निकाल लीजिए, तो गामा इक्वल टू क्या होता है? CP/CV, तो 9/RR का 2 कट बिकम 9/7 इज इक्वल टू 1.28 आंसर। क्लियर है? यस। नेक्स्ट वन इज हियर, स्पेसिफिक हीट्स ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस, ठीक है। ट्राइएटॉमिक गैस दो तरह के होते हैं, एक लीनियर होता है, दूसरा नॉन लीनियर होता है, ठीक है। एक को हम लोग क्या लिख सकते हैं? नॉन लीनियर, और सेकेंड वाले को क्या कह सकते हैं? लीनियर। यस, नॉन लीनियर होते हैं, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 6। सिक्स। और लीनियर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 7। सेवन। तो यू नो यू इज इक्वल टू, पहले मैं एक 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 की बात करता हूं, फॉर नॉन लीनियर गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 6, यू इज इक्वल टू 6/2 KBE × NA, KBE × NA इक्वल टू आर, आंसर इज 3 RT। सीवी इज इक्वल टू DU/DT, तो बिकम 3 R। सीपी इज इक्वल टू CV+R, 3 R + R बिकम 4 R। गामा इज इक्वल टू CP/CV इज इक्वल टू 4/3, आंसर इज 1.33।
यस आंसर हो गया। नेक्स्ट नंबर किसके लिए लीनियर के लिए निकालते हैं, तो फॉर लीनियर गैस मॉलिक्यूल, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 7, तो यू कैन से यू इज इक्वल टू 7/2 kBT इनटू Na इज इक्वल टू 7/2 RT। ठीक है, अब सीवी निकाल लेते हैं, तो सीवी इज इक्वल टू DU/DT इज इक्वल टू 7/2 R, सीपी इज इक्वल टू CB+R इज इक्वल टू 9/2 R, गामा इज इक्वल टू CP/CV, तो 9/2 R/7/2 R, आर आर कट 2 2 कट बिकम 9/7 इज इक्वल टू 1.28। ठीक है, अगर पॉली वन एटॉमिक पॉइंट टू गैस है तब कैसे निकालेंगे, तो मैं लिख देता हूं स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस ऑफ अ पॉली एटॉमिक गैस, ऐसा लिखना ठीक रहेगा, पॉली एटॉमिक गैस, यू नो 1 मोल ऑफ अ परफेक्ट पॉली एटॉमिक गैस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज T, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, सपोज कर लो एफ ले लिया, तो एवरेज एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो यू नो एवरेज एनर्जी ऑफ इच मॉलिक्यूल इज इक्वल टू F/2 kBT, इच मॉलिक्यूल 1 मोल के लिए निकालते हैं, तो यू फॉर 1 मोल इज इक्वल टू F/2 × kBT इंटू Na इज इक्वल टू F/2 RT, सीवी इज हाँ इक्वल टू यू नो DU/DT, तो F/2 × R, सीपी इज इक्वल टू CV+R, तो इज इक्वल टू F/2 + 1 × R, गामा इज इक्वल टू क्या होगा, CP/CV, F/2 + 1 × R अपॉन F/2 × R, आर आर कट। ठीक है, तो आंसर इज यर F/2 + 1 / F/2, तो गामा इज इक्वल टू 1 + 2 / F, आंसर क्लियर है, 1 + 2/F। हाँ ये पूरा लिख के पहले कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ स्पेसिफिक हीट इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो फॉर गैस एट टेम्परेचर T, द इंटरनल एनर्जी यू इज इक्वल टू F/2 nRT, चेंज इन एनर्जी क्या हाँ हो जाएगा, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू F/2 n × R × Δt, क्योंकि एन आर कॉन्स्टेंट है यहाँ पे। सीवी हाँ क्या होगा, हाफ आर, हाफ एफ आर। ठीक है, तो यस स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर क्या होगा, सीपी इज इक्वल टू 1 + F/2 × R, गामा क्या होगा, CP/CV, विच इज द 1 + 2/F × R, हाँ आंसर। ओके यहां तक कोई डाउट है तो बताइए मुझे। नहीं सर समझे। नाउ न्यू टॉपिक लिखिए, मीन फ्री पाथ, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन इज नोन एज फ्री पाथ। मान लो यहां पे है, इसने इसको स्ट्राइक किया, फिर इसने इसको स्ट्राइक किया, फिर इसने इसको स्ट्राइक किया, फिर इसने इसको स्ट्राइक किया, इस तरह। तो जितना लेंथ, मान लो ये λ1, λ2, λ3, λ4, λ5, λn, इस तरह से ट्रेवल किया, तो यस सर उसका ये जो फ्री पाथ है, सेकेंड कॉलिजन से पहले जो जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय गैस मॉलिक्यूल बिटवीन द टू सक्सेसिव कॉलिजन, यस फ्री पाथ का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन नंबर ऑफ कॉलिजन। सबकॉलिजन इसका मतलब λ1 + λ2 + λ3 सबको ऐड कर दीजिए अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स निकाल दीजिए। क्लियर है, यस सर दिस इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। एंड यू नो द मीन फ्री पाथ ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव कॉलिजन्स, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। इसको प्रैक्टिकली प्रूव किया जाता है और थ्योरेटिकली, हाई लेवल थ्योरेटिकल से इसको प्रूव किया जाता है, आपको सिर्फ लर्न रखना है। लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 × π σ² n। सिग्मा क्या है, डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर, नेक्स्ट यस सर क्वेश्चन, एवोगाड्रोज नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस
ग्राम एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। इसका मतलब क्या है कि अगर 1 ग्राम एटम ले लिया, मास आपने ले लिया, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, हमेशा फिक्स्ड होंगे 6.02। हमेशा हाँ, इसको मैंने दूसरे लैंग्वेज में भी लिखा है कि द इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब अगर आप 1 मोल ऑफ गैस ले लेते हैं, हाँ सर, ठीक है, तो इसमें 6.022 × 10³ गैस मॉलिक्यूल्स होंगे। यस सर, अगर 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल आपने लिया है, अगर 1 मोल ऑफ गैस एटम्स लिए हैं तो इतना ही नंबर ऑफ एटम हो जाएगा, आयन लिया है तो इतना ही हो जाएगा, और अगर आपने एसटीपी पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे देखते हैं तो 22.4 लीटर इसकी वॉल्यूम हो जाएगी। यस सर, नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर के बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं। फर्स्ट क्या है, कैलकुलेट द एक्चुअल वेट ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट। यस, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू यू नो एटॉमिक वेट इन ग्राम अपॉन एवोगाड्रोज नंबर। क्लियर है? यस। इसी तरह से कैलकुलेट द एक्चुअल वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल। तो यहां एटम के बदले में यहां पे जगह में मॉलिक्यूल लिख दो, और पेपर वो पे एटॉमिक वेट इन ग्राम है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम ले लो, बाकी सारा सेम रह जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ एलिमेंट, तो क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर अपॉन एटॉमिक वेट इनटू एम। यस, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। तो नंबर ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 एवोगाड्रो नंबर, दैट इज द 6.022 × 10³। ठीक है, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, प्रेजेंट इन एसटीपी, देन यू नो एवोगाड्रो नंबर अपॉन 22.4 लीटर्स। यस, सो नाउ दिस लेक्चर इज फिनिश्ड। कमिंग क्लास में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, एवरेज क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय, एज वेल एज बेस्ट ऑफ लक। यस सर, दिस इज द अमरेश नीट ऑफ रिसर्च एकेडमी, एंड यू नो दिस इज द क्रैश एंड रिवीजन कोर्स, बैच इज द पुरुषार्थ, चैप्टर नंबर 13, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एंड यू नो हियर लेक्चर नंबर 1। माय नेम इज अमरेश चौधरी, कॉलिंग नाम इज हर्ष। Today I will discuss the topic and subtopics are short formula list. पहले इस चैप्टर में जो जो फॉर्मूला यूज होगा वो सब सारी बातें करेंगे, फिर लर्निंग एंड रिविजन फॉर द डे, गैस लॉज क्या होते हैं, ठीक है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब सारी बातें जानेंगे, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ परफेक्ट गैस क्या होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, डिग्री ऑफ फ्रीडम विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक गैसेस क्या होता है, ये सब डिस्कस करेंगे, फिर मीन फ्री पाथ क्या है, एवोगाड्रोज नंबर क्या है, यही सब बातें इस चैप्टर में होने वाला है। तो पहले हम लोग शॉर्ट फॉर्मूला लिस्ट डिस्कस करते हैं, जो इस चैप्टर में जितने फॉर्मूला यूज होगा उसको मैंने यहाँ पे लिस्ट किया है। यू नो गैस लॉज एंड आइडियल गैस इक्वेशन, ये टॉपिक का नाम है। व्हाट इज द बॉयल्स लॉ, ठीक है, तो बॉयल्स लॉ ने क्या कहा, बॉयल्स ने क्या कहा था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड यू नो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट मींस वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। क्लियर है? पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, इसी को कहते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, V is directly proportional to the capital T. Okay. T2 upon V1 equal to T2 upon T1 लिख सकते हैं। Gay-Lussac's law, at constant volume, pressure is directly proportional to the temperature. P2 upon T1 is equal to T2 upon T1.
बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ दोनों को मिला देते हैं, मर्ज कर देते हैं, तो परफेक्ट गैस इक्वेशन आता है, उसको कहते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी। बहुत बच्चे कहते हैं सर आर क्या रेजिस्टेंस है क्या? नहीं, यहाँ पे आर जो है वो गैस कॉन्स्टेंट है। नेक्स्ट वन इज यर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या होता है? गैस कभी भी रेस्ट में नहीं रहता, मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, गैस नॉट इन रेस्ट, ठीक है, गैस हमेशा मोशन में रहता है, उसको हमेशा चुल मची रहती है, ऐसे लैंग्वेज में बोलो तो हमेशा चुल मची रहती है, वो भागता दौड़ता रहता है। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उतनी ही टेम्परेचर बढ़ेगा। थ्योरी भी एक बढ़ाया था मैंने कि बंद रूम में कभी भी फैन नहीं चलाना चाहिए, रूम को ठंडा करने के बजाय वो टेम्परेचर बढ़ाता जाता है। यस सही। प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ गैस, अगर किसी वेसल में गैस को भर के रख दो तो उस वेसल का जो प्रेशर है कितना होगा? तो फॉर्मूला है पी इक्वल टू 1/3 m/v इनटू vrms स्क्वायर। m by v into vrms अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होती है, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/3 ρ vrms स्क्वायर। तो लिख लीजिए फॉर्मूला, प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस p इक्वल टू 1/3 m/v vrms स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 ρ vrms स्क्वायर। Yes, sir. आगे मैं बताऊंगा VRMS को हम लोग C-square भी लिखते हैं, C-square, both are the same thing। आगे मैंने फॉर्मूला जो यूज किया है वो ये यूज किया है। VRMS yes, क्या है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अंडर रूट 3p/ρ। नेक्स्ट वन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस है आपके पास तो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उस मॉलिक्यूल की? तो यू नो E' इज इक्वल टू 1/2 mv² इसी को 3/2 kVt कहते हैं। वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो 3/2 kVt होती है, बट मीन काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ अ गैस, गौर करना बेटा एकदम थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस जो होता है 1/2 mv² उसी को 3/2 kVt कहते हैं, लेकिन मीन काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ अ गैस, यस ये पर मोल है 1/2 mvrms² इज इक्वल टू 3/2 rt इक्वल टू 3/2 kBnt। अब बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो पर मॉलिक्यूल वाला मोल वाला में यूज कर लेते हैं, मोल वाला मॉलिक्यूल वाला में यूज करते हैं, गलत हो जाता है। मैं इसलिए यहाँ पे स्टार बना देता हूँ। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू नो, फिर से रिपीट करता हूँ वंस मोर। मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इक्वल टू E' इज इक्वल टू 1/2 mv² इक्वल टू 3/2 kBt। यस, मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इक्वल टू 1/2 m/vrms² इक्वल टू 3/2 rt इक्वल टू 3/2 kB/nt। अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तब क्या होगा? तो 1/2 vrms² 3/2 r/m/t इसी फॉर्मूले में फोर्थ नंबर में हमने यहाँ पे मैनुपुलेट करके लिखा है। यस, व्हाट इज द एवोगाड्रोज नंबर? आपको पता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, इसी को एवोगाड्रो नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल एम अपॉन एम, ठीक है। अब तुमको सर यहाँ कुछ गड़बड़ सा दिख रहा है। जनरली आप जब भी फॉर्मूला एन लिखते थे, नंबर ऑफ मोल्स लिखते थे, तो उसमें लिखते थे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हाँ, ये तो बेसिक फॉर्मूला था। ये था नंबर ऑफ मोल्स का, वो स्मॉल एन हुआ। अच्छा। देखो लिखा है मैंने मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास,
एवोगाड्रो नंबर में उल्टा फॉर्मूला यूज होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम, एकदम ध्यान रखिएगा। इसलिए एवोगाड्रो को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, इसलिए मैं बहुत बार ना कंफ्यूजन दूर हटाने के लिए इसमें एन ए लिख देता हूँ, एन ए फॉर्म इज एवोगाड्रो नंबर। हाँ, एन ए एवोगाड्रो नंबर। स्पीड जो है गैस की स्पीड थ्री टाइप्स की होती है, एक को कहते हैं एवरेज स्पीड, दूसरे को कहते हैं आरएमएस स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, और थर्ड वाले को कहते हैं एमपी स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। एवरेज स्पीड वी बार इक्वल टू क्या होता है, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस डॉट 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 वी एन अपॉन एन। वी बार इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट एट के बी टी अपॉन पाई एम इज इक्वल टू अंडर रूट एट कैपिटल आर कैपिटल टी अपॉन पाई कैपिटल एम इज इक्वल टू अंडर रूट एट पी वी, पी वी इक्वल टू एनआरटी होता है तो पता है, रूट एम से हो गया मीन, एस से हो गया स्क्वायर, इसका मतलब है पहले स्क्वायर करना है, फिर एवरेज निकालना है, फिर रूट अंडर करना है। एक मिनट, पहले स्क्वायर करना है, फिर एवरेज निकालना है, फिर रूट अंडर। हाँ, अंडर रूट वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस वी थ्री स्क्वायर प्लस डॉट 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 वी एन स्क्वायर अपॉन एन। इसमें यहाँ पाई एम होता है, यहाँ एम होता है, कैपिटल एम होता है, वो तो पता ही है। नेक्स्ट वन इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसी भी गैस की स्पीड कितनी पहुंच पाती है probably, उसको most probable speed कहते हैं। degree of freedom और specific heat of monoatomic, diatomic and polyatomic gas। देखो किसी भी गैस का degree of freedom जो होता है वो हमें बताता है कि वो गैस की एटॉमिसिटी कितनी है और उसका बिहेवियर कैसा होगा और उसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी होगी। मेनली जो बताता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, एनर्जी डिसोसिएशन बताता है, एनर्जी डिसोसिएशन मतलब याद रखने का तरीका मैं बताता हूं। अगर किसी आदमी के घर में पांच आदमी है, किसी घर में पांच आदमी है और दूसरे ने भी कहा कि मेरे घर में भी पांच आदमी है जी, हाँ यस, अगर मैंने इसने कहा या ऐसा करते हैं पांच नहीं लेते इसमें फोर ले लेते हैं, ठीक है, इस मेरे घर में फाइव पर्सन है इसमें भी फोर पर्सन है, अब इन दोनों से पूछो कि कमाने वाले कितने हैं, इसने बोला फाइव लोग जो कमाने वाले हैं, मेरे घर में फोर लोग कमाने वाले हैं, हाँ, और इक्वल इक्वल लोग अगर कमा रहे हैं तो देखो ये घर ज्यादा अमीर है रेदर देन दिस घर। अच्छा, लोग इक्वल इक्वल कमा रहे हैं, पर इनकम, हाँ, हजार रुपए कमाता है तो ये फाइव इंटू थाउजेंड रुपीज कमाएगा, ये थाउजेंड फोर कमाएगा, यस सर, घर जो है धीरे धीरे अमीर होता चला जाएगा, यस सर। का मतलब जितने नंबर ऑफ यहाँ पे पीपल होंगे उतने ही नंबर ऑफ एनर्जी बढ़ती जाएगी उस घर की। अगर किसी की डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्री है, किसी की फोर है, तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली फोर वाले की ज्यादा होगी, फोर वाले की। कितनी ज्यादा होगी तो फोर इंटू हाफ के बीटी, ये फॉर्मूला होता है, इसकी कितनी होगी थ्री इंटू हाफ के बीटी, माना एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है वन इंटू हाफ के बीटी, वन इंटू हाफ के बीटी। अच्छा, क्लियर है मेरी बात है, टू हाफ के बीटी, हाँ। तो yes, कहने का मतलब है कि जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम उतने हाफ के बीटी, यही याद रखना है आपको। अच्छा, इतने डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू हाफ केबीटी, एंड फॉर अ गैस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैविंग एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ गैस यू इज इक्वल टू एफ बाय टू इंटू आर टी, यस, एफ बाय टू इंटू आर टी, वेयर सीवी इक्वल टू एफ अपॉन टू इंटू आर, CP इक्वल टू वन प्लस एफ बाय टू इंटू आर, लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपको पूछा जाए वन मोल ऑफ गैस की एनर्जी कितनी होगी जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम F है, तो आप बोलेंगे हाफ इंटू एफ आर टी। CV कितनी होगी,
एफ आर बाय टू, सीपी कितना होगा, तो आर प्लस एफ आर बाय टू, इसका मतलब वन प्लस एफ बाय टू इंटू आर। गामा क्या होगा, तो सीपी अपॉन सीबी, दैट इज द वन प्लस टू अपॉन एफ। अगर गामा एफ की वैल्यू थ्री है तो यू कितना होगा, थ्री बाय टू आर टी। सीबी कितना होगा, थ्री बाय टू आर। सीपी कितना होगा, फाइव बाय टू आर। गामा कितना होगा, 1.66। इसी फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर आपका आता जाएगा। ये सब लिख लीजिएगा और एकदम लर्न करके रखना बेटा, ठीक है। मुझे फटाफट लर्न रहता है, कैलकुलेशन में बहुत कम टाइम लगता है मुझे। अगर डायटोमिक गैस है तो एफ की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज द 5, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 5। टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, 5 बाय 2 आरटी। सीबी क्या होगा, 5 बाय 2 आर। सीपी क्या होगा, 7 बाय 2 आर, क्योंकि 1 प्लस है ना यहाँ पे, इसीलिए। गामा क्या होगी, 1.44 या 1.4 लिखते हैं इसको। अगर ट्राइटोमिक गैस, ट्राइटोमिक दो तरह के गैस होते हैं, एक को कहते हैं नॉन लीनियर, दूसरे को कहते हैं लीनियर। तो फॉर अ ट्राइटोमिक गैस ऑफ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, एफ की वैल्यू कितनी होती है, 6। यू इज इक्वल टू क्या होगा, 3 आर टी। यही सब, ये देखो ये जो फॉर्मूले हैं, इसी फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाइए, आंसर आ जाएगा। सीवी कितना होगा, 3 आर। सीपी कितना होगा, 4 आर। गामा क्या होगी, 1.33। लेकिन अगर ट्राइटोमिक गैस है और लीनियर मॉलिक्यूल है, लेकिन एफ की वैल्यू 7 है, तो यू इज इक्वल टू 7 बाय 2 आर टी। सीवी इक्वल टू बाय 2 आर। सीपी इक्वल टू 9 बाय 2 आर एंड गामा इज इक्वल टू 1.28। ओके, नाउ लर्निंग एंड रिवीजन फॉर द डे। अब डिटेल टॉपिक डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द गैस लॉज, ठीक है। गैस जिस बिहेवियर को फॉलो करता है उसको अगर हमने लॉ में फॉर्मुलेट कर दिया, उसी को गैस लॉज कहते हैं। बॉयल ने किया था उसको बॉयल्स लॉ कहते हैं। चार्ल्स ने बताया था चार्ल्स लॉ, गे लुसाक्स लॉ, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अच्छा, यूज करके आइडियल परफेक्ट गैस इक्वेशन बताया गया है, और लास्ट में कंपैरिजन ऑफ आइडियल गैस एंड रियल गैस, ये हम सब डिस्कस करेंगे। तो बॉयल्स लॉ क्या होती है, अगर मान लो आपके पास गैस है जिसका मास m है, मतलब फिक्स मास है, yes. तुम अगर इसका प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब हुआ कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इनवर्स है ना, घटेगा टू इट्स प्रेशर। अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो घटेगा, तो घटता जाएगा, घटता जाएगा। हाँ यस, मैंने बढ़ता जाएगा बोल दिया था, घटता जाएगा, कम होता जाएगा, इसलिए ध्यान रखना बेटा, मैं जान जान के गलतियां इस तरह करता रहता हूँ। तो कहने का मतलब है कि अगर मास कांस्टेंट है, ठीक है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द P। मैं फिर से बोलता हूँ, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, वेयर द टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। तो V is directly proportional to the 1 upon P, means V is inversely proportional P, तो V equal to क्या हो गया, K upon P, or you know PV equal to K, where K is a constant, and you know its value depends on the mass of the gas, जो K depend करता है, किस पे depend करता है, mass of the gas पे depend करता है, temperature पे depend करता है, यूनिट पे डिपेंड करता है कि किस यूनिट में आपने पी और वी को मेजर किया है, ठीक है। तो मैं कंक्लूड कर रहा हूं, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, वेयर टेम्परेचर एंड मास आर कांस्टेंट। जब टेम्परेचर और मास कांस्टेंट है, मतलब के जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और पी और वी को आपने किस यूनिट में लिया है उस पर भी डिपेंड करता है। तो यू नो PV equal to constant मैंने बोला था, तो P1 V1 is equal to P2 V2। अगर मान लो गैस आपके पास है, उसका इनिशियल प्रेशर P1 है, उसका इनिशियल वॉल्यूम V1 है, और थोड़े टाइम बाद प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, तो क्या रिलेशन होगा, P1 into V1 वही होगा जो P2 into V2 होगा, ठीक है। तो P और V के बीच इनवर्सली ग्राफ होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, वेयर T इज द कॉन्स्टेंट, ठीक है। लेकिन आपने P और 1 by V के बीच ग्राफ, तो क्या है, P is directly proportional to the 1 by V, मतलब ये directly proportional का ग्राफ होगा, और ये क्या शो करेगा, T equal to constant,
is कांस्टेंट है. नाउ व्हाट इज द चार्ल्स लॉ? अगर प्रेशर और मास आपने कांस्टेंट रखा है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ अ गैस. तो आई कैन से दैट प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर. देखते हो ये मैंने दोनों को ग्रीन ग्रीन कर रखा है, जल्दी याद रहेगा आप लोगों को. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T. जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे कॉन्स्टेंट डालेंगे, V इक्वल टू KT. सो V अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. यू नो इस कॉन्स्टेंट को चार्ल्स कॉन्स्टेंट भी कहा जाता है. ठीक है, जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, मैंने केल्विन में होना चाहिए. तो टेम्परेचर को केल्विन में अगर आपने x एक्सिस में लिखा और वॉल्यूम को y एक्सिस में रखा है तो दोनों के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये क्या शो करेगा? प्रेशर इज कॉन्स्टेंट. हाँ यस, इसी को कॉन्स्टेंट भी कहा. वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू वी टू अपॉन टी टू. यू नो यस. नेक्स्ट वन इज कॉल्ड गे-लुसाक्स लॉ. अगर आपने वॉल्यूम और मास दोनों कॉन्स्टेंट रख दिया है कैसे बोलते हैं? वॉल्यूम रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल T. प्रोपोर्शनलिटी हटाइए, कॉन्स्टेंट डालिए, P इक्वल टू K इंटू T. तो आई कैन P अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेशर एट T डिग्री सेल्सियस अपॉन प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू टेम्परेचर एट द T डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर एट द 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, या एब्सोल्यूट में रख दीजिए, केल्विन में रख दीजिए, बात एक ही हो गई. लेकिन जब भी टेम्परेचर है केल्विन में लेना चाहिए, वो मैं फाइनल कर देता हूं. ओके, तो गे-लुसाक्स क्या लॉ क्या है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. Pt upon P naught, P upon T naught equal to Pt, P upon T is equal to constant. अगर इसके बीच ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या होगा? P और T के बीच अगर आपने ग्राफ ड्रॉ किया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ. ये क्या शो करेगा? ये शो करेगा वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट. अच्छा, ये शो करता है कि वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट. वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, P और T में है तो वॉल्यूम. हाँ, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है, किसी गैस को किस रेट से वो गैस डिफ्यूज करेगा? ठीक है, तो कहता है डेंसिटी पे डिपेंड करता है. कैसे डिपेंड करता है? रेट ऑफ डेंसिटी ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी. रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी. आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वन अपॉन अंडर रूट रो. प्रोपोर्शनलिटी हटाइए, कॉन्स्टेंट डालिए, के अपॉन अंडर रूट रो. ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और ये डेंसिटी का रूट अगर इन दोनों के बीच ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसा होगा ग्राफ. हाँ, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. अगर आपके पास एक वेसल है उसमें आपने बहुत सारे गैसेस मिला दिए, मान लो ये गैस आपने मिला दिया, फिर आपके पास मान लो इस टाइप का गैस है और ये गैस ऐसे हैं जो मिक्स नहीं होते एक दूसरे से. हाँ, क्या नहीं होते? मिक्स नहीं, मिक्स होते, नॉन मिक्सिंग है ये सारे. हाँ, अच्छा, ठीक है. तो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस. ठीक है, अच्छा, रिएक्ट नहीं करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे. तो नॉन रिएक्टिंग गैसेस ऑक्यूपाइंग अ गिवन वॉल्यूम इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर. मतलब टोटल प्रेशर इक्वल टू इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर. मतलब कहने का मतलब मिक्स कंप्लीटली मिक्स नहीं होते, मतलब मिक्सचर बन जाता है, नॉन रिएक्टिंग गैस, ऐसा बोलना सही रहेगा. मतलब पार्शियल प्रेशर का सम. देखो पार्शियल प्रेशर को मैंने स्मॉल पी से यहाँ पे डिनोट किया है और ये पी जो हुआ कैपिटल प्रेशर, मतलब टोटल प्रेशर हो गया. यस, तो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ अ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इन वॉल्यूम इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर. नाउ आइडियल और परफेक्ट गैस इक्वेशन, ये होता क्या है? PV इक्वल टू एनआरटी.
कहां से आता है, कैसे आप इसको प्रूव करोगे? ठीक है, तो आपने कहा था कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द p होता है, किसके रेफरेंस से आपने कहा था? बॉयल्स के रेफरेंस से कहा था, इसको बॉयल्स लॉ कहते हैं। हाँ। फिर आपने कहा था कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, किसके रेफरेंस से आपने कहा था? चार्ल्स के रेफरेंस। अब इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, तो आई कैन राइट ऑन कंबाइनिंग v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द t अपॉन p, यस और नो? प्रोपोर्शनलिटी हटाइएगा तो एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा, k t अपॉन p, वेयर k इज द कांस्टेंट हियर। ठीक है, इसी को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी कह सकते हैं। p को अगली साइड ले जाइए, t को अगली साइड ले जाइए, तो क्या हो गया? pv अपॉन t इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर है मेरी बात? ये 1d इज इक्वल टू, यस। अगर यहाँ पे pv अपॉन t इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखते हैं, तो ये जो कांस्टेंट होता है इसको r कहते हैं, तो pv इक्वल टू r इनटू t। ये कितने मोल ऑफ गैस के लिए है? फॉर वन मोल ऑफ गैस, यस। अगर आपने कहा नहीं सर n मोल ऑफ गैस ले लीजिए, तब क्या होगा? फॉर n मोल ऑफ गैस, यू नो pv इक्वल टू n इनटू rt, ठीक है, where n is the number of moles। इसी को ideal gas equation या perfect gas equation भी कहा जाता है। यही Boyle और Charles की help से इसको निकाला गया है, ठीक है। लेकिन अगर तुम कहोगे नहीं वन मोल ऑफ गैस के लिए नहीं, वन ग्राम ऑफ द गैस के लिए देखना है, तब क्या होगा? ठीक है, तो वन ग्राम के गैस के लिए देखोगे तो PV इक्वल टू nRT सेम होगा, ठीक है। अगर R इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन m नॉट है, देन यू नो इट इज द गैस कांस्टेंट फॉर वन ग्राम ऑफ द गैस। अगर हमने कहा कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस यहां पे कर देते हैं, इसको कहते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट, KB इज इक्वल टू आर अपॉन एन ए। इसका मतलब क्या हो गया कि गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू क्या होता है? KB इंटू एन ए, KB इंटू एन ए, अच्छा KB इंटू एन ए, वेयर यू नो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रोज नंबर, यस और नो? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या फॉर्मूला होता है? कैपिटल एन, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? एनए। अब देखो पीवी इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया? एनआरटी, यस और नो? एन के जगह क्या लिख सकते हैं? कैपिटल एन अपॉन एनए इनटू आरटी। इसी को फिर क्या लिख सकते हैं? ठीक है, के बी एन इंटू एनए अपॉन आरटी। अब आर के जगह क्या लिख सकते हैं? के बी इंटू एनए। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं एन अपॉन एन ए इंटू के बी इंटू एन ए इंटू टी। एन ए एन ए कट गया तो क्या बचा? पीवी इक्वल टू के बी इंटू एन टी। यह सब किसके लिए हो रहा है? वन ग्राम ऑफ गैस के लिए हो रहा है। वन ग्राम ऑफ गैस। देखो कभी कभी घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता हूं, मैं पूछता हूं कि बताइए आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? बच्चे सिर्फ एक ही बोलते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी। अरे ऐसा थोड़ी है, ये भी बोल सकते हो पीवी इक्वल टू के टी। एक वन मोल ऑफ गैस के लिए पीवी इक्वल टू आरटी, एन मोल ऑफ गैस के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी, वन ग्राम ऑफ मोल ऑफ गैस के लिए पीवी इक्वल टू के बी इंटू एन इंटू टी। क्लियर है? लिख लीजिएगा ये सारे फॉर्मूले, ये सारा पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा, वो तो पता ही है। कंपैरिजन ऑफ आइडियल गैस एंड रियल गैस। गैस दो तरह के होते हैं, एक आइडियल और एक रियल। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस वही है जो पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करता है, इसी को आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। लेकिन जो आइडियल गैस इक्वेशन को नहीं फॉलो करता है उसको रियल गैस कहते हैं, ठीक है। मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता है, वो कैसा गैस है? वो रियल गैस है। इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो जो नहीं करता, नहीं करता है।
मैं यहां ने मैंने लिखा है कि अ गैस विच ऑब्वियस द आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड आइडियल गैस और परफेक्ट गैस। अगर तुम पीवी कर्व देखते हो, ठीक है, हाँ पीवी कर्व आप अगर आपने देखा, ठीक है, तो जो आइडियल गैस होगा वो देखना आपको इस तरह से दिखेगा, उसका ग्राफ ऐसा होगा T1 टेम्परेचर पे, ठीक है, T2 टेम्परेचर पे इसका ग्राफ ऐसा होगा। ये आइडियल की बात कर रहा हूं मैं, डॉट लाइन जो है आइडियल को शो कर रहा हूं। लेकिन रियल जब तुम देखोगे रियल गैस के लिए तो क्या देखोगे, ये जो डार्क वाली लाइन है ये आपको दिखेगी, ठीक है, देख रहे हो स्लोप दोनों का चेंज है। और T2 पे देखते हो ये तो एकदम बैंड ही हो जाता है, नीचे की तरफ एकदम आ जाता है एकदम, हाँ ठीक है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर एक्चुअल में बताइए गैस होते कितने तरह के हैं। मैं फिर से बताता हूँ, गैस दो तरह के होते हैं, एक आइडियल एक रियल। जैसे स्टूडेंट दो तरह के होते हैं, आइडियल एंड रियल। टीचर दो तरह के होते हैं, आइडियल टीचर रियल टीचर। आइडियल टीचर क्या होना चाहिए, एकदम ऐसा पढ़ाना चाहिए कि एक बार बच्चा को पढ़ा दिया उसके DNA में चला गया, ठीक है, पर सारे आइडियल तो होते नहीं है भाई, आइडियल तो होते ही नहीं है कहने का मतलब है। हाँ, अप्रोचिंग टू द आइडियल हो सकता है जो जितना अच्छा मेहनत करेगा और जिसकी बातें ज्यादा समझ में बच्चों को आएगी, ठीक है, रियलिटी में वो आइडियल टीचर नहीं होता। उसी तरह आइडियल गैस वही होता है जो पीवी इक्वल टू एनआरटी को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, मतलब इस तरह का डॉटेड लाइन, T1 टेम्परेचर पे ये डॉटेड लाइन होना चाहिए, T2 टेम्परेचर पे ये होना चाहिए, और T1 क्या है, ग्रेटर देन T2 है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ लैंग्वेज में लिखा है, दिस फिगर शोज द कंपैरिजन बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल पीवी कर्व एंड द थ्योरेटिकल कर्व प्रेडिक्टेड बाय द बॉयल्स लॉ, ठीक है। तुम कहोगे सर क्या चार्ल्स लॉ के बेसिस पे भी कर सकते हैं क्या? हाँ देखिए, चार्ल्स लॉ के बेसिस पे टीवी कर्व इसको कहते हैं, ठीक है। अगर P1 ग्रेटर देन P2 है तो रियल गैस का बिहेवियर देखो इस तरह से होगा, ठीक है, लेकिन आइडियल गैस का कैसा होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, T1 प्रेशर पे। अगर प्रेशर मैंने कम किया तब कैसा होना चाहिए, रियल मतलब आइडियल गैस का जो है मना ऐसा हो जाता है, लेकिन रियल गैस का इस तरह से होता है। Yes. तो इन द अबव केसेस वी नोट दैट द बिहेवियर ऑफ अ रियल गैस अप्रोचेस द आइडियल गैस बिहेवियर फॉर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, देख लो। इसलिए आप लोग जो कहते हैं ना कि रियल गैस जो है अप्रोच करता है आइडियल गैस बिहेवियर को जब प्रेशर बहुत कम रहे एंड टेम्परेचर बहुत हाई रहे। Now, equation of state of perfect gas, जो मैंने अभी पहले बताया था कि PV equal to क्या होता है, NRT होता है। अगर P pressure है, V volume है, T temperature है, तो ideal gas क्या हो, equation क्या होगा, PV equal to NRT for n mole of gas, one mole of gas के लिए क्या होगा, PV equal to RT, इसी को PV upon T is equal to R बोल सकते हैं। R को ही गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी SI यूनिट जो होती है जूल पर मोल केल्विन, इसकी वैल्यू होती है, लिख लीजिए, इसके बहुत सारे वैल्यूज होते हैं और ये कंफ्यूज करता है बच्चों को, लिख लीजिएगा R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और 8.314 × 10⁷ अर्ग पर मोल पर केल्विन, अप्रोक्सीमेटली ये 2 कैलोरी पर मोल केल्विन के इक्वल होता है। Yeah. इसका डायमेंशन क्या होगा, तो निकाल लीजिएगा, R इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ P अपॉन डायमेंशन ऑफ V अपॉन डायमेंशन ऑफ T, निकाल लीजिएगा, देन यू नो प्रेशर का ML क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ML^-1 × T^-2, वॉल्यूम का क्या हो जाएगा L³, T का ये T जो है टेम्परेचर है, ठीक है, तो थीटा, तो क्या हो गया L²(T^-1), थीटा को भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर को थीटा लिख दिया, θ^-1। गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू क्या होता है, तो अभी हमने प्रूव किया कि PV इक्वल टू NRT, अब PV जो है वर्क डन के इक्वल होता है, तो R इज इक्वल टू वर्क अपॉन मोल इनटू टेम्परेचर। जरा देखिएगा फिर से अच्छा से इसको, अगर मैं R पूछूं तो R इक्वल टू क्या होगा, PV अपॉन N इनटू T, PV इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन upon n into t, moles into temperature,
लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस के लिए निकालते हैं, तो जो मैंने प्रूव कर पहले बताया था कि परफेक्ट गैस इक्वेशन अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस के लिए निकालते हैं तो पीवी इक्वल टू स्मॉल के टी हो जाता है। इसी स्मॉल के को केबी भी कहा जाता है, बोल्ट्जमान कॉन्स्टेंट। तो बोल्ट्जमान कॉन्स्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय पर मोल गैस कॉन्स्टेंट, इच इज कॉल्ड के इज इक्वल टू आर अपॉन एन। आर की वैल्यू 8.31 पुट कर दीजिए, एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10^23 पुट कर दीजिए, रेशियो क्या आएगा 1.38 इंटू 10^-23 जूल पर केल्विन। लिख लीजिए, ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू होती है। इसकी डायमेंशन हाँ। क्या हो जाएगी, जो अभी हमने निकाला था, एमएल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू थीटा टू द पावर माइनस वन। थीटा मतलब टेम्परेचर ना, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। न्यू टॉपिक इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस रिलेट्स द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैस लाइक प्रेशर टेम्परेचर टू द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल लाइक स्पीड मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। ये इन दोनों को रिलेट करता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के बीच एक ब्रिज बनाने का काम करता है। What are the assumptions of the kinetic theory of gas? ऐसे समझ लो, गैस जो है कभी भी बैठा नहीं रहता है, ठीक है, और वो कभी भी अकेला नहीं रहता है, वो हमेशा झुंड में रहता है। वो डायलॉग नहीं कहते हैं, ठीक है, कि भेड़िए तो हमेशा झुंड में रहते हैं, टाइगर तो हमेशा अकेला रहता है, तो उसी टाइप का गैस मॉलिक्यूल जो है वो हमेशा झुंड में रहता है, झुंड में रहता है, वो अकेला रहना पसंद नहीं करता है। मॉलिक्यूल्स इज मच स्मॉलर देन द इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिंग। मॉलिक्यूल ऑफ गैस जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, सारे एक जैसे होते हैं, रिजिड होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। तो मैंने लिखा है The molecules of a gas are identical, spherical, rigid and perfectly elastic point masses. Yes. Molecule कभी भी rest में नहीं रहता है, तो मैंने वही लिखा है, molecules are in a state of random rapid motion. They collide with each other. There is no loss of energy during collision. कुछ लोग देखते हो झगड़ा करने में माहिर होते हैं, वो किसी ना किसी से टकराते रहते हैं, मना ऐसा लगता है उसकी एनर्जी लूज ही नहीं हो रही। अगर वो नहीं खाएगा तो बेचारा बीमार हो, मतलब क्या कहते हैं, नहीं झगड़ा करेगा तो बीमार हो जाएगा। तो गैस भी उसी तरह का कि वो अगर टकराएगा नहीं तो वो बीमार हो जाएगा, वो टकराते रहता है। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन, ओनली द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज्ड। ऐसे याद रखो कि झगड़ा करने वाला का आदमी सिर्फ चेंज हो जाता है, वो आज इससे झगड़ा किया तो कल उससे झगड़ा करेगा, लेकिन बिना झगड़ा किए रहता नहीं है। तो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि एवरी, और आगे भी बताऊंगा बहुत कुछ, लेकिन पहले डिस्कस करता हूं कि गैस मॉलिक्यूल जो है वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको मॉलिक्यूल कहते हैं। साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज मच स्मॉलर देन द इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिंग, बहुत छोटा होता है। अब मॉलिक्यूल ऑफ गैस आइडेंटिकल स्फेरिकल रिजिड एंड परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, और ये हमेशा रेपिड मोशन में होते हैं, कोलाइड करते रहते हैं एक दूसरे से, और उसकी एनर्जी लूज नहीं होती है, इसीलिए तो इलेक्ट्रिक कोलिजन है, इसके डायरेक्शन हमेशा चेंज होते रहती है। Yes. ये जब एक मॉलिक्यूल मान लो इससे इससे टकराया, फिर ये मॉलिक्यूल जाके दूसरे से टकरा जाएगा, फिर ये दूसरे से टकरा जाएगा, ये दूसरे से टकरा जाएगा, मतलब ऐसे टकराते रहेंगे, ठीक है। तो इनके बीच में जो टाइम लगता है वो बहुत कम होता है। द टाइम स्पेंड इन कोलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स। And you know the number of collision per unit volume in a gas remains constant. ये हमेशा constant होता है। Unit volume में कितना बार collision होगा वो हमेशा fixed होता है। No attractive or repulsive force acts between the gas molecules. ठीक है, सब एकदम एक जैसा रहता है। Gravitational attraction among the molecules is ineffective due to extremely small masses and very high speed of molecules. ग्रेविटेशन अट्रैक्शन इज इनएफेक्टिव, हाँ, यस सर, क्योंकि इसका मास बहुत कम होता है और इसकी स्पीड जो है बहुत हाई होती है, एंड मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अगर एक कंटेनर में रख दिया, कभी इससे टकराते रहता है, टकराते रह रहा है हमेशा।
ड्यू टू विच देयर मोमेंटम चेंज, द चेंज इन मोमेंटम इज ट्रांसफर टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, जिसके कारण कि वो जो कंटेनर है उसमें एक प्रेशर एग्जर्ट होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, आगे मैं बताऊंगा, P इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर, वेयर वी इज द वीआरएमएस। सो यू नो ऑन द वॉल्स ऑफ अ कंटेनर प्रेशर इज एग्जर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स एंड द डेंसिटी ऑफ गैस इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द कंटेनर। इसकी डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, ऐसा नहीं है कि इधर से उधर चला गया, उधर से इधर चला गया, ऐसा कुछ नहीं है, थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहे। वर्क डन ऑन कंप्रेसिंग अ गैस। ठीक है, अगर मान लो आपने गैस रखा है बलून में भर लिया है मान लो, और तुमने उसको दबा के दबाने की कोशिश की, तो तुम्हें कितना वर्क करना पड़ेगा। यू नो वर्क डन पी, वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी, वेयर पी इज द प्रेशर ऑफ द गैस एंड डेल्टा वी का चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस। सपोज करो दो आइडियल गैस हैं, यहां एक आइडियल गैस है, यहां एक आइडियल गैस है, दो मतलब दो नंबर मत समझ लो, दो वेसल में रखा हुआ ऐसा समझ लो। व्हेन टू आइडियल गैसेस हैविंग द मोलर मासेस m1 एंड m2 आर मिक्स्ड, दोनों को मिक्स कर दीजिए, तो अब जो थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर जो होगा उस मिक्सचर का कैसे चेंज होगा। अगर मुझे ओवरऑल मोलर मास निकालना है, ठीक है, मान लो ये एक वेसल था, ये दूसरी वेसल थी, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, तो इन दोनों के जो आइडियल गैस हैं जब मिक्स हो जाएंगे तो फाइनल मोलर मास क्या होगा, n1 m1 plus n2 m2 upon n1 plus n2। अगर इसका नंबर ऑफ मोल n1 है, इसका नंबर ऑफ मोल n2 है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो n1 m1 plus n2 m2 upon n1 plus n2। CV क्या होगा उस मिक्सचर का, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, तो n1 CV1 plus n2 CV2 upon n1 plus n2। सीपी ऑफ द मिक्सचर क्या होगा, कांस्टेंट स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इक्वल टू यू नो n1 CP1 plus n2 CP2 upon n1 plus n2। गामा ऑफ द मिक्सचर क्या होता है, आपको पता है गामा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीबी होता है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, n1 plus n2 n1 plus n2 कट जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, n1 CP1 plus n2 CP2 upon n1 CP1 plus n2 CP2। ठीक है, इसको और अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, n1 plus n2 upon गामा minus 1 is equal to n1 upon गामा minus 1 plus n2 upon गामा minus 1। इसको पहले स्टॉप करके सारा लिख लीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। अगर आइडियल गैस आपके पास है, ठीक है, द पॉइंट पार्टिकल्स कैन हैव ओनली ट्रांसलेशनल मोशन एंड दस ओनली द ट्रांसलेशनल एनर्जी। ठीक है, लेकिन ऐसा पता है आइडियल गैस तो होता नहीं है, लेकिन मैं यहां पे आइडियल गैस की बातें कर रहा हूं कि आइडियल गैस है तो उसका जो पार्टिकल होगा वो पॉइंट पार्टिकल होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होगा, वो रोटेट नहीं करेगा। हाँ, समझ रहे मेरी बात है कि अगर yes, sir, रोटेट तो नहीं, तो मैंने स्ट्राइक कराया तो वो सीधा सीधा जाएगा, ट्रांसलेशनल जाएगा, अगर वो आइडियल है तब। हाँ, इसको याद रखने का तरीका बता देता हूं, जो आइडियल स्टूडेंट वो क्या करेगा, घर से निकलेगा एकदम सीधा माना कॉलेज पहुंचेगा या स्कूल पहुंचेगा, yes, एकदम स्ट्रेट, कहीं भी इधर उधर नहीं जाएगा, कहीं भी इधर उधर देखेगा होगा नहीं, लेकिन ऐसा तो आपको पता होता नहीं है, रियल बच्चे होते हैं भाई, रियल स्टूडेंट है, तो वो कहता है घर से निकलेगा तो सबसे पहले देखेगा कि फ्रेंड मेरा निकला या नहीं, अच्छा ठीक है, फिर वो देखेगा कि लेफ्ट में है राइट में क्या, नहीं तो टकरा जाएगा भाई ये भी तो ध्यान रखो। तो कहने का मतलब है कि ट्रांसलेशनल मोशन सिर्फ आइडियल गैस में होती है और रोटेशनल नहीं होती, तब उस समय में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल कितनी होगी। ठीक है, यू नो ई डैश इज आप एम सी डैश स्क्वायर, या इसी को सी बार स्क्वायर कहते हैं, डैश में बार बार बोलता हूँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं सी बार स्क्वायर कह देता हूँ, ये एक्चुअल में वी आर एम एस ही है, वी आर एम एस को ही सी बार स्क्वायर कहा जाता है। ठीक है, तो यू नो ई बार इक्वल टू हाफ एम सी बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 के बी टी। मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना होगा,
तो वही होगा जो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट इज द 3/2 KBT। समझा मेरी बात? यस भाई, टोटल एनर्जी कितनी होगी, जो आपकी मीन एनर्जी है, एवरेज एनर्जी है पर मॉलिक्यूल। मीन काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम मोल क्या होगा, तो डिवाइड कर दीजिए, तो इक्वल टू हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर इक्वल टू 3/2 RT इक्वल टू 3/2 KBNT, जो हमने प्रूव किया था पहले। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस कितना होता है, 3/2 PV। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या होगा, 3/2 PV/N, N से डिवाइड कर दीजिए, इसी को 3/2 RT/M। मेडिकल में यही सब क्वेश्चन ना घुमा घुमा के पूछते रहते हैं, पूछेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी बताइए, मीन काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम मोल बोल दीजिए, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पर मोल क्या होता है, तो 3/2 KT। इसी से पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर तुम काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, इसीलिए बंद रूम में कभी भी, क्लोज्ड रूम में कभी भी फैन नहीं चलाना चाहिए, वो आपके रूम का टेम्परेचर घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। पूछो क्यों, क्योंकि फैन चलती रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो आपके रूम में जो गैस है उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आपके रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। इसीलिए जहां पे फैन चलाया जाता है उस रूम में खिड़की वगैरह डाले जाते, खिड़की रहते हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा, खिड़की रहता है ऊपर, वेंटिलेशन रहती है, जिसके कारण कि गर्म हवा हुआ, जैसे ही टेम्परेचर उसका बढ़ा वो उस गर्म एयर को बाहर निकाल देते हैं हम लोग, फिर हमारा रूम ठंडा हो जाता है। एसी के साथ ऐसा नहीं करते हैं। तो यू नो काइनेटिक एनर्जी पर मोल इक्वल टू 3/2 KT एंड काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम इज इक्वल टू 3/2 P। वॉट इज द कॉन्फिगरेशन, अगर एक वेसल में आपने गैस रख दिया है और वो गैस आपके पास परफेक्ट गैस है, आइडियल गैस है, तो इसके वॉल पर प्रेशर एग्जर्ट होगा, क्योंकि एक दूसरे से टकराते रहेगा, आपको पता है टकराने से क्या कहते हैं, प्रेशर फील होती है, तो प्रेशर पी एग्जर्टेड बाय परफेक्ट गैस ऑन द वॉल्स ऑफ अ कंटेनर, यू नो पी इक्वल टू 1/3 MN/V×CV²। मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/3 2/2 ρC², इसी को 2/3 × ½ ρC², दैट इज द 2/3। तो ये जो फॉर्मूला पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई होता है वो यहीं से आता है, where m is the mass of each molecule, c bar equal to root mean square velocity of molecule, rho is the density of gas, m equal to mass of gas enclosed in the volume v of container, and capital is the total kinetic energy of the gas molecule. Clear? Yes, sir. Now, various speed of gas molecules. आपको पता है कि गैस मॉलिक्यूल्स के जो है थ्री टाइप्स के स्पीड होते हैं, एक को कहते हैं एवरेज स्पीड, दूसरे को कहते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तीसरे को कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड, द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द स्पीड ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या है, देखो रूट मीन स्क्वायर, तो सबसे पहले इंडिविजुअल स्पीड का स्क्वायर करना है, फिर उसको ऐड करके एन से डिवाइड कर देना है, मतलब मीन निकालना है, और पूरे का रूट अंडर कर देना है, इसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। फॉर्मूला होता है वी आर एम एस इज इक्वल टू √V₁² + V₂² + V₃² + …… प्रेशर पी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 ρVRMS²। वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या होगा, √3P/ρ, √3P/ρ। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं √3 KBT/M, √3 RT/M, √8 PV/M। ये सब सारे रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला है। यस सर।
what is the most probable speed? The maximum speed which possessed by the total number of molecules of the gas. ज्यादा से ज्यादा जो फ्रैक्शन ऑफ गैस है वो जो मैक्सिमम को अटेंड करता है उसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं. द स्पीड विच इज पॉजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. यू नो इट इज द वी एम पी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 के बी टी अपॉन एम इक्वल टू अंडर रूट 3 आर टी अपॉन एम इक्वल टू अंडर रूट 2 पी टू ना. तो नहीं बोलोगे तो मैं 2 केबीटी अपॉन एम जब नहीं ध्यान देगा मैं बोलूंगा इससे अंडर रूट 2 केबीटी अपॉन 2 केबीटी अपॉन एम इज इक्वल टू आरटी अपॉन एम अंडर रूट 2 पीवी अपॉन एम. यस थर्ड स्पीड को कहते हैं एवरेज स्पीड. तो जितने भी मॉलिक्यूल हैं सबका स्पीड का एवरेज निकाल दो इसी को कहते हैं द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल इन अ गैस एट गिवन टेंपरेचर इज कॉल्ड एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड बी बार इक्वल टू V1 plus V2 plus V3 plus dot 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 Vn upon n. V bar equal to under root 8 kBT upon pi m is equal to under root 8 RT upon pi m is equal to under root 8 PV upon pi m. Average देखिए ये आपके पास जो है ये VMP है ये VRMS है और बीच में average मतलब average जो है वो VMP और VRMS के बीच में होता है. Yeah. Now, what is the degree of freedom? New topic. ठीक है. Yes. Sir. Degree of freedom जो है, ये एक तरह से गैस के पैरामीटर को बताता है. तुमको अगर सर इसका मतलब रेफर करता है कि पॉसिबल इंडिपेंडेंट मोशन जो है किसी सिस्टम का जो होगा वो किस किस पर डिपेंड करेगा. मतलब ट्रांसलेशनल मोशन होगा या रोटेशनल मोशन होगा कैसा होगा ये सब सब डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता है. Yes. अगर गैस मॉलिक्यूल आपने छोड़ा ठीक है तो देख वो देखना वो वॉल्यूम वाइज किधर भी स्कैटर्ड हो सकता है. Yes, किधर भी that's true. ट्रांसलेशनल मोशन भी हो सकती है रोटेशनल मोशन भी हो सकती है रेंडम मोशन भी हो सकता है जिगजैग हो सकते हैं. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें बताता है कि उसका मोशन कैसा होगा. द टर्म डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम रेफर्स टू द पॉसिबल इंडिपेंडेंट मोशन अ सिस्टम कैन हैव. अगर एटॉमिक गैस है तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3 होती है. डाई एटॉमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है. डाई एटॉमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होती है. अगर नॉन लिनियर है लिनियर है तो 7 होती है. और अगर n एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 6n-3. n एटॉमिक लिनियर मॉलिक्यूल है तो 6n-5. अब डिग्री ऑफ फ्रीडम से ही हमें पता चलता है कि मॉलिक्यूल के पास गैस कितना है. वो मैं आगे बताऊंगा कितने नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं कितनी एनर्जी है कितनी उसकी डेंसिटी है बहुत कुछ पता चलता है. तो सबसे अच्छा एक जो है उसको कहते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. अच्छा यह डिग्री ऑफ फ्रीडम से ही पता चलता है कि एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा. क्यों सपोज कीजिए ये आपके पास है टोटल आपके पास 1 crore रुपीस है 1 crore रुपया है आपके पास और इसमें 5 मेंबर्स अगर हैं 5 डिवीजन है 1, 2, 3, 4, 5 डिवीजन है और इक्वली डिवीजन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक को 20 lakh मिलेगा दूसरे को भी 20 lakh तीसरे को भी 20 सबको 20-20 lakh करके मिलेंगे. यस सर ठीक है इसको कहते हैं इक्विपार्टीशन ऑफ रुपीस. लेकिन अगर एनर्जी होता तो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. यस यहाँ हम लोग क्या करते हैं जो भी 1 crore है जितने डिस्ट्रीब्यूशन उसको 5 से डिवाइड कर देते हैं जितने नंबर ऑफ पर्सन है उससे डिवाइड कर दिया हमने. तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी फॉर एनी सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम द टोटल एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स वेरियस डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एसोसिएटेड विद एनर्जी विच इज कॉल्ड हाफ केबीटी. यस अगर मान लो 3 degree of freedom है ऐसा
तो इसका जो होगा होगा हाफ के बी टी एनर्जी होगी, इसकी भी हाफ के बी टी एनर्जी होगी, इसकी भी हाफ के बी टी एनर्जी होगी, तो टोटल कितना हो गया 3/2 के बी टी, वेयर के बी इज कॉल्ड बोल्ट्जमान, 1.38 इंटू 10^-23 जूल पर केल्विन। कैपिटल टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, क्लियर है? सर नहीं सर एक मिनट बोलो, एनी सिस्टम में हाँ टोटल एनर्जी को मतलब तीन ही पार्ट में क्यों डिवाइड कर, थ्री, अगर यहाँ पे 3 degree of freedom था इसीलिए, अगर मान लो ये 5 degree of freedom होता, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका क्या हो जाता 5/2 के बी टी, मतलब एक इंडिविजुअल डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी हाफ के बी टी होती है। यस सर, पढ़ के सुनाइए, व्हाट इज द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी? According to law of equipartition of energy for any system in thermal equilibrium, the total energy is equally distributed among its various degree of freedom, and each degree of freedom is associated with energy half kBT, where kB is equal to Boltzmann constant. Now, specific heat capacity for solids. ठीक है? देखिए, near the room temperature, the molar specific heat of most of the solid at constant volume is equal to 3R या 6 calorie per mole per farad या 25 joule per mole per kelvin, ये वैल्यू होती है। yes. इसी को ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ भी कहा जाता है, ठीक है? yes, sir. तो कहने का मतलब क्या है, इसको समझो ऐसे कि अगर आपके पास सॉलिड्स हैं नियर द रूम टेम्परेचर, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास, उसकी जो मोलर स्पेसिफिक हीट होगी वो कितनी होगी, 3R होगी। यही मेन चीज है, आपने कोई सॉलिड उठाया रूम टेम्परेचर पे, आपने मोलर स्पेसिफिक हीट देखा कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो उसकी वैल्यू 3R है। इसी को ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ कहते हैं। अब इसका मैं प्रूफ देता हूं। सॉलिड में एटम जो है वाइब्रेट करता है अपने मीन पोजीशन पे, बिल्कुल। ड्यूरिंग द वाइब्रेशन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एटम चेंजेस कंटिन्यूअसली द टू पोटेंशियल एनर्जी इनटू द पोटेंशियल एनर्जी एंड वाइस वर्सा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में। यस सर, तो एवरेज वैल्यू ऑफ ईके एंड ईपी मींस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल इन अ सॉलिड। यस, तो एन एटम कैन वाइब्रेट अलोंग द 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो इसका मतलब है कि 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये वाइब्रेट करेगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये क्या होगी, वाइब्रेट होगी। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3। तो इसके अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, 3 × 1/2 kBT, 3 × 1/2 kBT। यस, इज इक्वल टू 3/2 kBT, मैं ऐसा लिख देता हूँ। यस सर, सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, 3 × 1/2 kBT, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज करता रहता है। यस सर, तो एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी कितना होगा, तो मैं लिख रहा हूं एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी पर एटम इज पर एटम ईके प्लस ईपी इज इक्वल टू 3/2 + 3/2 बिकम 3 kBT। यस, यस और नो, द टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी और द इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 mole ऑफ एटम क्या होगा, 3 kBT लिख देते हैं, द टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस 3 kBT आ जाएगा, द इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 mole ऑफ एटम्स ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू, यू नो, यू इज इक्वल टू Na इंटू 3 kBT, और आपको पता है R इज इक्वल टू क्या होता है, kB इंटू Na, पहले भी बता चुका हूं मैं, तो kB इंटू Na को R, तो आंसर इज 3 RT।
कितना के इजी बी बात इनटू है। एन आर। हाँ यस, सॉलिड की अगर चेंज इन वॉल्यूम नेग्लिजिबल है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ यू प्लस पी डेल्टा वी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द डेल्टा यू एंड एक मिनट, क्या इक्वल टू यू नो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अच्छा मतलब वर्क का वैल्यू बहुत लेस होगा, डेल्टा टी हाँ ठीक है, क्यों तो इस क्या बोलो क्यों मतलब वर्क का वैल्यू क्यों हम लेस पकड़ते हैं? देखो मैंने वर्क का नहीं, डेल्टा वी जो है वो नेग्लिजिबल ले लिया मैंने, वॉल्यूम हाँ अच्छा, दैट्स व्हाट। चेंज ऐसे भी तो नेग्लिजिबल होगा ठीक है। हाँ, अब डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी इसका मतलब है डेल्टा यू बाय टी भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं थ्री आर टी अपॉन टी, टी टी कट आंसर इज 3R प्रूव्ड। यस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड नियर द रूम टेम्परेचर इज 3R और 6 कैलोरी पर मोल पर फेराड। वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड विथ टेम्परेचर ठीक है, वेरिएशन यस, ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर। और इसका ग्राफ कैसा होता है, वो इस तरह से होता है और एक टाइम पे जाके वो कांस्टेंट हो जाता है और वो 3R हो जाता है और ये लगभग रूम टेम्परेचर पे होता है, अच्छा, ये कांस्टेंट जो पार्ट होता है। कांस्टेंट पार्ट होता है। द टेम्परेचर एट विच द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम बिकम्स इक्वल टू 3R दिस इज कॉल्ड डिवाई टेम्परेचर। ऐसे यस, टेम्परेचर को क्या कहते हैं, डिवाई डिवाइड टेम्परेचर। टेम्परेचर कहते हैं। यप, नाउ न्यू टॉपिक इज यार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। हम लोग वाटर को सॉलिड की तरह ट्रीट करते हैं, हम सॉलिड। ऐसा कैसे, हाँ यस, तो मैं मान लो ऐसा कर लेते हैं वी मे ट्रीट वाटर लाइक अ सॉलिड, लेट कर लीजिए। तो बाय द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी द एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी पर एटम इज 3 kBT यस और नो। तो यस, वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर विद टेम्परेचर पहले क्या होगा, देखो डिक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा और फिर क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाए, क्योंकि यस, वाटर जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होता है वो लेस डेंस होते हैं रेदर देन 4 डिग्री सेल्सियस, हाँ, वाटर मोर डेंस, 4 डिग्री में मोर डेंस होता है, या मोर डेंस होता है, डेंस। मोस्ट डेंस मैं बोल सकता हूँ, मोस्ट डेंस, चलो मोर नहीं बोल देता हूँ मोस्ट बोल देता हूँ ये ज्यादा अच्छा रहेगा। वाटर जो है सबसे ज्यादा डेंस कब होता है, जब 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री, यस लेस डेंस कब होता है, जब 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो वाटर शोज यस द पेक्युलर बिहेवियर और इट यस स्पेसिफिक हीट फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट। इंक्रीज करता अच्छा है फिर ये इंक्रीज करता है विद टेम्परेचर। अच्छा नाउ न्यू टॉपिक इज हियर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस जो होता है उसकी बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, स्पेसिफिक हेड कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट एरिया कांस्टेंट बहुत कुछ होता है ठीक हाँ है, कांस्टेंट इंथैल्पी कांस्टेंट एंट्रोपी, यस लेकिन इसमें जो दो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं बच्चे से पूछता हूँ कि बताइए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस कितने टाइप के होते हैं, वो तो सब दो होते हैं। अरे दो नहीं होते भाई, होते बहुत सारे हैं, दो मेन होते हाँ हैं, हाँ फर्स्ट जो वन दो इज हम लोग पढ़ते स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। एंड यू नो द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन व्हेन इट्स वॉल्यूम इज कैप्ट कॉन्स्टेंट। यस इसका मतलब है कि उतना हीट आपने दिया जिससे कि उस गैस का यूनिट मास गैस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया जबकि तुमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है। समझ में आई बात है, यस सर, आपको पता है फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम इंटू सीवी डेल्टा टी, तो
तो डेल्टा क्यू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू एम इंटू कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो बताइए सीवी क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू ऑफ वी अपॉन एम डेल्टा टी। यस, वन मोल ऑफ गैस यू नो कैपिटल सीवी इक्वल टू एम इंटू स्मॉल सीवी, तो कहने का मतलब मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये स्मॉल है ये स्मॉल सीवी है, लेकिन अगर वन मोल के लिए निकालोगे तो कैपिटल एम से मल्टीप्लाई कर दो, तो एम इंटू डेल्टा क्यू इंटू डेल्टा क्यू वी अपॉन एम डेल्टा टी। और आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यस, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो वन अपॉन एन इंटू डेल्टा क्यू वी अपॉन डेल्टा टी, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। इसको लिखो बेटा पहले। नाउ स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है, इसका मतलब है कि इतना हीट आप किसी भी गैस को दो यूनिट मास ऑफ गैस को जिससे कि उसका टेम्परेचर या तो 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ जाए। Yes. इस कंडीशन में प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। जितना हीट आपने दिया दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। डेफिनेशन इज हियर, द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस थ्रू 1 केल्विन व्हेन इट्स प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। यस और यू नो CP इक्वल टू डेल्टा क्यू पी अपॉन एम डेल्टा टी, एकदम जस्ट उसी की तरह। देखो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, एम सी डेल्टा टी, और ये क्या स्मॉल सी है, ठीक है। तो जब प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पी लिख दूंगा, यहाँ भी पी लिख दूंगा मैं, तो सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू पी अपॉन एम डेल्टा टी। फॉर वन मोल ऑफ गैस कैपिटल सीपी इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू स्मॉल सीपी, और n इक्वल टू m अपॉन m होता है तो फाइनल सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन n इनटू डेल्टा qp अपॉन डेल्टा t। नाउ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर जो होता है वो बड़ा होता है हमेशा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कहने का मतलब इज ग्रेटर देन cv। यस, चाहे तुम स्मॉल सीपी कहो वो भी ग्रेटर देन स्मॉल सीवी, कैपिटल सीपी कहो वो भी ग्रेटर देन कैपिटल सीवी। और सीपी माइनस सीवी जो होता है, ठीक है, स्मॉल सीपी माइनस स्मॉल सीवी इक्वल टू आर अपॉन जे। यस, तो वो भी सर ये जे क्या है, वही जूल इक्विवेलेंट, जूल इक्विवेलेंट बोला था। इस फॉर्मूले को मेयर्स रिलेशन कहते हैं। अच्छा, बट इफ सीपी एंड सीवी आर द मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ वर्क एंड आर इज आल्सो इन द यूनिट्स ऑफ वर्क और एनर्जी, अब सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू कैपिटल आर। यस सर, नाउ न्यू टॉपिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम और स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनो एटॉमिक डाई एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक गैसेस। पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, ठीक है, ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने पूरा डिटेल एक क्वेश्चन बना दिया है। यूजिंग द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ सीपी सीवी एंड गामा फॉर मोनो एटॉमिक डाई एटॉमिक एंड ट्राई एटॉमिक गैसेस। अच्छा, आपको फर्स्ट नंबर स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनो एटॉमिक गैस निकालना है, तो पहले समझना बेटा, मोनो एटॉमिक गैस है लाइक हीलियम आर्गन, ये मॉलिक्यूल के पास 3 translational degree ऑफ फ्रीडम होती है। यस, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू हाफ केवीटी। हाँ, तो एवरेज एनर्जी विद 3 degree ऑफ फ्रीडम कितना होगा, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे एवरेज एनर्जी विद 3 degree ऑफ फ्रीडम, 3 degree ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल
पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू यू नो 3/2 केवीटी, बिल्कुल। और गैस कांस्टेंट पर मोल ऑफ गैस होता है, एन ए एवोगाड्रो नंबर होता है, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? तो टोटल, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, गैस कितना होगा? यस, दिस इज द कैपिटल यू विच इज द 3/2 केवीटी इंटू एन ए। आपको पता है कि आर इज इक्वल टू के बी इंटू एन ए होता है, तो के बी इंटू एन ए आर हो गया, तो आंसर इज 3/2 आर टी। आर टी, हाँ, यस और नो? यस सर। नाउ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कितना होगा? तो द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो ये भी तो नहीं, वॉल्यूम इसका मतलब सीवी बोल रहा है, तो सीवी ऑफ मोनो एटॉमिक क्या होगा? इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 3/2 आर टी। डिफरेंशिएशन करें 3/2 कांस्टेंट है, टी का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो आंसर इज 3/2 आर। इसी तरह से द मोलर, मैं लैंग्वेज भी लिख देता हूं जिससे कंफ्यूज आप ना हो, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा? यू नो इट इज सीपी, अगर ये मोनो एटॉमिक है तो सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर, तो सीपी इक्वल टू सीबी प्लस आर, देन यू नो 3/2 आर प्लस आर इज इक्वल टू 5/2 आर। अब अगर सी बाई टू आर प्लस आर, हाँ, और एक बढ़ेगा, तो गामा इज इक्वल टू क्या होता है? सीपी अपॉन सीबी, 5/2 आर अपॉन 3/2 आर, आर आर कट, टू टू कट, आंसर इज 5/3 इक्वल टू 1.67 हो गया आंसर। यस, विदाउट प्रूफ हम लोग किसी की बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस कौन कौन है जी? ऑक्सीजन ले लीजिए, नाइट्रोजन ले लीजिए, ये सब सारे डायटोमिक गैसेस हैं। ये जो है रिजिड रोटेटर की तरह काम करता है, इसके पास 5 degree ऑफ फ्रीडम होता है, 3 translational मोशन होती है इसमें, 3 translational मोशन और 2 rotational मोशन होता है, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और 3 translational का मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। यस, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी इसकी? 5 टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, यस, ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू यू नो 5। तो जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, तो अकॉर्डिंग टू द इक्विपोटेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ मोल ऑफ गैस क्या हो जाएगा? तो यू नो दिस इज द 5/2 केबीटी, ठीक है, और इनटू एन एवोगाड्रो नंबर के लिए, तो एन ए इनटू के बी इक्वल टू आर, तो 5/2 आरटी, यस और नो? अगर सीवी निकालना है फॉर रिजिड डायटोमिक, रिजिड डायटोमिक तब क्या होगा? डी यू बाय डी टी, तो 5/2 आर टी का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, यू नो दिस इज द 5/2 आर। सीपी निकाल लीजिए फॉर